नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां न च हृदया मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठा Riye, no, no.
Dear,
ये सारे खंड सब स्वरों पे आधारित है। स्वर पे लोग ख्याल अंग में तान में करते हैं, उसको हम लोग ध्रुपद अंग में उसको खंड युक्त रे रा रा दा ना रे रा रा दा नी सा गा मा पा गा मा ग रे सा पा गा मा ग रे सा नी सा गा मा सा मा ग रे सा रे रा रा दा ना रे रा रे रा रे रा रा ना रे रा रे रा रा ना रे रा रा ना रे रा रा ते रा रा ना रा नो ना रा रा गा मा पा नी दा पा रे रा रा दा ना रे रा रा ना रे रा रा दा ना रे रा रा ना Dama bani dama bada gama gani sama gare ni sa ni bada ni sa gare ni sa ni sa gama bada gama bani ni 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 da ba ma ga ga re da ni sa gama bada gama bada gama bani ni ni da na na ra ra ri ra ni ra 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 na da na 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 ri ra da na ri ra da da na ri ra Da 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 da
Dara 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 d
इसमें क्योंकि आज शंकर भगवान का दिन है, पहला सोमवार है सावन, तो ये घराने की एक पुरानी रचना शिव शंकर का पद जो हमारे यहाँ शिव स्तुति को शिव स्तुति के रूप में है, और फिर एक गणेश स्तुति के रूप में। ये दोनों रचनाओं को मैं सुल्तान में सुनाऊंगा, दो बंदिश अलग हो, दोनों की मुखड़ा भी कुछ अलग होगा। ये संकलन है धर्मों की, संरक्षित किया हुआ कुछ चीजें हैं जो पुरुखों का दिया हुआ है, जिसको मैंने संभाल के रखा हुआ है और तालीम भी। शंभु हर रे गंगा धर रे, कामति जन मणि चिंता मणि कल्प वृक्ष, काम धेनु काम शंपूरन कर रे, कर तर त्रिशूल त्रिलोचन रे, मात मतंगी काली कटी अंबर रे, नीलकंठ भस्म भूषण रे, मणिगण मुक्ता माल कर डमरू धर रे, शंभु हर रे गंगा धर रे, कामति जन मणि चिंता मणि कल्प। शंभो हर हरे, 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 गंगा धर रे, गंगा धर रे, कामति जन मणि चिंतामणि, कामति जन मणि चिंतामणि, कामधेनु काम शंपूरन कर रे, शंभु हर रे, शंभु हर रे, शंभु 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 हर रे, गंगाधर रे, कामति जन मणि चिंतामणि, कामति जन मणि चिंतामणि, कामधेनु काम शंपूरन कर रे, शंभु हर रे, शंभु हर रे, हर रे, कर तर त्रिशूल त्रि, कर तर त्रिशूल त्रि, कर तर त्रिशूल त्रि, कर तर त्रिशूल त्रि, लोचन रे, लोचन रे, मात मतंगी काली कटियंबर रे, मात मतंगी काली कटियंबर रे, नीलकंठ भस्म, नीलकंठ भस्म भूषण रे, भूषण रे, मणिगण मुक्ता माल, मणिगण मुक्ता माल, कर डमरू धर रे, कर डमरू धर रे, कर डमरू धर रे, शंभो हर रे, शंभो शंभो शंभो। शंभु 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 हर,
Kamati Janamani Chinta Mani Kalpati Kama Kama Demu Demu Kama Demu Shampoo Dada Karade Shampoo Harade Shampoo 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 Harade Harade Shampoo Harade Harade Shampoo Harade Harade Shampoo Shampoo Harade Ganga Dharade Kamati Janamani Chinta Mani Kalpati अब इसकी एक संस्कृति एक गणेश की स्तुति है। खरभस्तूल तनु गजेंद्र बदनम लंबोदरम सुंदरम पुष्पंदम मधुगंध लुब्ध मधुपम यालोल गंधस्तलम दंताघात विधारितारि रुधिरहि सिंधूर संभाखनम गणपति सिद्धि प्रथम कामदम। ये सुलखन में ही है, इसकी थोड़ी मुखड़ा अलग है। देखें कैसी कैसी कारण है बंदिशों की। आपने इसको इसलिए मैंने कहा कि इसको की से शुरू हो। बिल्कुल हाँ, समय के मुबारक है, मुबारक है, मुबारक समय है। खार वस्तु लतनु 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 गजेंद्र बदनु लंबोदरम सुंदरम खार वस्तु तनु खार वस्तु लतनु गजेंद्र बदनु लंबोदरम
सुन्दरं गर्व पुष्पन्दं मधुगन्धलूत मधुपौं पुष्पन्दं मधुगन्धलूत मधुपौं व्यालो लदधस्फलं दन्ताघा किविदानि तारि दूरिरहि सिन्दूरसं भागनो गणपति प्रथम का आम खर्वस्तु तनु खर्व खर्वस्तु लतनु गजेंद्र बदनो लंबोदरं सुंदरं गर्व पुष्पन्दं मधुगन्धलूत मधुपौं पुष्पन्दं मधुगन्धलूत मधुपौं व्यालोल गणस्थलं दन्ताघाति विदारितारिदुदिगहि सिन्दूर सम्भाखनो गणपति सिद्धि प्रथम कामदं खर्वस्तुल तनु खर्व खर्वस्तुल तनु गजेंद्र बदनं लंबोदरं खर्वस्तु सुंदरं 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 खर्वस्तु तनु गजेंद्र नमस्कार नमस्कार प्रेम भाई, कैसे हैं? बस बिल्कुल ठीक। सो फ्रेंड्स, दिस इज द 88th मेला ऑफ द आरनाथ वर्चुअल बैठक सीरीज। आप कैसे हैं? हम तो बूढ़े हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन अभी हम लोग बूढ़े तो होने नहीं देंगे, तो फिर हम भी बूढ़े हो जाएंगे, इसलिए आपको बूढ़े नहीं होने देंगे। आपकी तो दाढ़ी तक नहीं आई यार, क्या बात कर रहे हो? क्यों मेरे डोंट एज शेम मी, मेरी 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 उम्र जलीली मत करो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम लोगों की बहुत पुरानी मुलाकात है, आपको तो याद होगा। बहुत हमें जहाँ तक याद है 81 या 82 में जयपुर में सबसे पहली बार पुरानी उसमें हम लोग मिले थे, तो लगभग 38-40 साल पुरानी बात, बहुत देर हो गई। हाँ, सबसे हम लोग पता नहीं कितने दफे मिले हैं, बहुत जगह संगीत बिल्कुल, पर देखो इतने साल बीत गए, तुम्हारे दाढ़ी नहीं आई, मेरी आकर सफेद भी हो गई। नहीं नहीं, आप तो ये तो देखिए, ये तो आपसी हमारी बात हो चुकी है कि ये तो कभी कभी पारिवारिक ये होता है, जैसे आपको बताया था मैंने कि पिताजी की हमारी 65-70 साल तक उनको बाल सफेद बहुत ज्यादा नहीं हुआ, वही स्थिति हमारी भी है, हम लोग परिवार में इतना जल्दी नहीं होता, लगता है जवान है, मतलब अभी तक उम्र का पता नहीं लगता। मेरे छोटे दादा भाई का भी यही हाल था, उम्र का, उनके काले बाल थे, और हाँ। मेरे बड़े पिताजी, उनके तो मतलब बचपन में ही सफेद हो गए, तो यूं तो आपको पहली बार देखेगा वो तो अनुमान लगाएगा कि बड़े बहुत बुजुर्ग होंगे, लेकिन जो साथ के हैं वो तो समझ जाएंगे कि नहीं, इनकी तो पहलू हम लोग सब जानते हैं। क्या बात, लेकिन आप बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, आपका हाँ, ये कर लीजिए तारीफ, झूठी ही सही, कोई ऐसी बात नहीं। ये सही तारीफ है, आपने सबसे पहले तो मैं आपको हृदय से ये धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो ये कार्य शुरू किया। और देखिए संगीतिक चर्चाएं तो बहुत होती है, ये जहां तक स्टेज की बात है, लोग बैठ गए, कलाकार बैठ के
और गा बजा लिए, उठ गए। और जो एक एक जो चर्चाएं होती है, जो जो सांगीतिक चर्चाएं होती है, ये जो आपका अनुभव है, मेरा अनुभव है, किसी और कलाकार का अनुभव है, हम सभी का, ये अपना अपना जो एक पूरे जीवन का जो एक कंट्रीब्यूशन है, अपना जो संग्रह है, उसको एक दूसरे से ये बांटना, एक दूसरे को आदान प्रदान करना, ये चर्चाएं जो है, ये सबसे अच्छी बात हमें ये लगी। बीच में गाना बजाना तो ठीक है, आप सभी को जानते हैं, मैं भी सभी को जानता हूँ, हम एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हैं, घंटों संगीत की बात हो, रागों की बात हो, चलती रहेगी। लेकिन कुछ खास चीज़ें जो पुरानी चीज़ें हैं, कुछ पुरानी बातें जो बुजुर्गों से लिया हुआ है, उन्हीं जनों से लिया हुआ है, क्योंकि आपको तो पता ही है, मैं तो इतने वर्षों से 38 साल मुझे भी हो गए या यूनिवर्सिटी में मुझे पढ़ाते हुए, लगभग 38वां साल पूरा हो रहा है। मैंने बहुत PhD कराया, बहुत MA कराया, बहुत मास्टर डिग्री दिया, लेकिन गाने बजाने का मजा वहाँ नहीं है। वो तो डिग्री डिप्लोमा देने का जगह है, उसको देते रहते हैं, पढ़ाई लिखाई का चीज़ है, एजुकेशनल फील्ड है, लेकिन जो गुरुओं की तालीम है, जो बुजुर्गों से लिया हुआ, जो पहले गुरु शिष्य परंपरा की जो तालीम होती थी, सीना व सीना बैठ के घंटों पूरे दिन बैठे रह गए, चर्चाएं चल रही है, उसमें से निकल के जो बात आती थी, अब वो जो आज हमारे आपके जहन में बैठा हुआ है, वो चीज वहां नहीं। वहां तो वो कोर्स के हिसाब से वहां सिलेबस पूरा की जाती है, लेकिन ये सिलेबस तो परंपराओं में, घरानों में सुरक्षित है। आज जो जहाँ जिस परंपरा से जहाँ जो लिया है, उनके पास वो संरक्षित सुरक्षित हो, तो ये सबसे अच्छी चीज है, ये तारीफ काबिल है। आप तो कहेंगे कि शायद हमारी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हम आपके सामने नहीं है, कहीं पीछे में भी चर्चा करता हूँ कि ये काम सब नहीं करता। पेज तो ठीक है, बहुत पेज चल रहा है, गाने बजाने की चर्चा हो रही है, लेकिन आप ये एक जो है सामंजस्य बनाया है दुनियों से बातचीत करने का, सांगीतिक चर्चा, ये सराहनीय कार्य है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जो आपका काम है, हम लोग सभी के साथ हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स। फ्रेंड्स, दिस इज द 88th मेला ऑफ द यारनाथ वर्चुअल बैठक सीरीज। आई एम इन कन्वर्सेशन विद पंडित प्रेम कुमार मलिक। दिस इज dedicated, this virtual Vedic series is dedicated to the ongoing 550th birth anniversary of Sahib Sri Guru Nanak Dev, the first guru of the Guru Sikh Parampara. They called him Nanak Shah Fakir, Hindu ka guru, Musliman ka peer, and not for a small reason. He's the one who bound us all together, who taught us how to accept diversity and as it is. A few words with regards to Dr. and Pandit Prem Kumar Malik. He is a 12th generation expert of Dhrupad vocal music from the Darbhanga tradition, and he is an academic, as you just heard him mention, of course in Hindi, but that he has been teaching at the Allahabad University for decades, and he has taught many, many students, those who've gathered their masters and MPhil and PhD degrees. And he was just mentioning that university has its own course, but the real vidya is to become an exponent, to become a responsible attendee of knowledge, it takes another training. Pandit Prem Kumar Malik began his training under his father, the illustrious Pandit Vidru Malik, with whom I was very closely associated, and he was a darling of his soul. And he also received instruction from his legendary grandfather, Pandit Sukhdev Malik. In 1980, the President of India presented him with a gold medal for coming first at the All India Radio National Music Competition at Patna. Apart from Dhrupad, he is proficient in Khayal, Tumri, Dadra, Tappa and Bhajan repertoires. Malik has performed and given workshops across India, Europe and North America. He is a top grade artist of the All India Radio and Doordarshan.
with a PhD from Allahabad University. He serves as professor of music and head of department at that university's music and performing arts department. He has, of course, been published. His several albums have been published, in fact. But he has archived his traditional repertoire for the Indira Gandhi National Center for the Arts. He has also authored Darbhanga Gharana Evam Bandishe and Darbhanga Tradition and Comparative Study of Four Forms of Indian Classical Music. He has received many, many awards. Notably among them is Bihar Chief Minister's Award, who awarded him with the title Bihar Kala Puraskar. So it's my pleasure. Dosto, meri aaj di vaarta, vadde vidwan, Pandit Sukhdev Malik hona de pote, Hindustan de ratna, jade son Pandit Vidur Malik, jade bahut hi vadde guru hoye ne vidya de, unhone vidya bahut vandi hai. Ona de suputar, Pandit Prem Kumar Malik, Dr. Malik honi 12vi peedi hange, Drupad ta gaande hi hange, oh khayal, tappa, thumri, dadra, ਬਹੁਮੁਖੀ ਗਾਇਕ ਹਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਟਨਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਾਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਟੋਪ ਗ੍ਰੇਡ ਆਰਟਿਸਟ ਹਨਗੇ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹਨਗੇ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਨਗੇ ਅਤੇ ਦਰਭੰਗਾ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨਗੀਆਂ, ਦਰਭੰਗਾ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਰਭੰਗਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਫੋਰ ਫੋਰਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਾਸਿਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਹਾਰ ਕਲਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਵਾਰਡਸ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, जैसे कहें आपकी आमद है, आपने मंगलाचरण से शुरू किया, आपने बताया कि आज सावन का, खैर सब पूरा वतन मना रहा है, सावन का पर्व है, तो आपने उसको डेडिकेट भी किया, तो मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस तरह शुरुआत की आज की मुलाकात की। और एक बात हो रही थी हमारी आपकी, मतलब आपके बारे में जिक्र करते हुए कि आप बहुमुखी गायक हैं, ख्याल, ठुमरी, टप्पा, दादरा। एक आम तौर पर भ्रम, तो भ्रम क्या सच माना जाता है कि जो ध्रुपद गाते हैं उनकी तो आवाज़ें बहुत ठस हो जाती हैं कि वो ख्याल और टप्पा तो गाना गाया नहीं जा सकता। लोग भूल गए उस्ताद फयाज़ खां और विद्वानों को जो पुराने थे, आजकल कई दहाके गुजर गए, तो एक भ्रम सा चला है, उसके बारे में कुछ बताइए ना, हमारा भ्रम उतारिए थोड़ा सा। देखिए ऐसा हमारे यहाँ कहा गया, हमारे बुजुर्गों ने भी कहा, हमारे दादाजी कहा करते थे, गवैया वही जो हर कुछ गाए, उसको गवैया माना जाता है। जो पुराने राजा रजवाड़ाओं में, जो जैसे जब ये राजाश्रय हुआ संगीत, तो उसमें बहुत महफिलें हुआ करती थी, और उस महफिल में ऐसा नहीं कि केवल एक ध्रुपद ही होता था, वो डिपेंड करता था कि किस चीज के शौकीन कौन है, किनकी फरमाइशें क्या होती है। तो वो जो फरमाइशें होती थी उस जमाने में, और एक चीज आपको बल्ली भाई ये भी पता होगा कि मेरे ट्रेडिशन को आप बहुत करीब से जानते भी हैं, क्योंकि आपने पिताजी का भी सानिध्य लिया, उनके पास भी वृंदावन गए हुए थे, मुझे सब पता है, हम लोग सब जानते हैं एक दूसरे को। तो हमारे परिवार में जो संगीत आया, सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी उसकी भी जानकारी आपको, वो सेनिया परंपरा से है, क्योंकि तानसेन की भतीजे भूपत खान जी से जो हमारे पूर्वज ने उसकी तालीम लिया, तीन पीढ़ी ऊपर की जो है बात तो मैं नहीं करूँगा, उन तीनों को हम लोग उतना नहीं जान पाए, लेकिन पंडित राधा कृष्ण और पंडित करताराम मल्लिक, ये चार भाई हुआ करते थे, राम निवास सीताराम और राधा कृष्ण करताराम। तो राम निवास सीताराम जी का वो नावल उनकी, उनका वंश परंपरा नहीं चला, और राधा कृष्ण करताराम की वंश परंपरा, तो ये दोनों भाई जाके ग्वालियर में रह के उनसे तालीम लिया। तो जाहिर सी बात है, जब वो ग्वालियर गए तो ग्वालियर में तो हर गायकी है, सभी को पता है ये चीज, ग्वालियर जो है घरानों का एक गंगोत्री माना जाता है,
जिसको कहते हैं कि जनक, जहां से कई घराने गए अलग अलग शाखाओं, एक ही एक शाखा आगरा में चली गई, वहीं से एक शाखा फिर किराना उधर महाराष्ट्र में भी चला गया। तो इस तरह से देखा गया तो हमारे यहाँ जो पूर्वजों की तालीम हुई उसमें उन लोगों को चारों अंग की गायकी का तालीम दिया गया, रूपक को मेनली रखा गया, लेकिन उनको ख्याल भी तालीम दी गई, क्योंकि सदारंग अदारंग जी भी उस टाइम में रचना तो किए लेकिन गाते वो भी ध्रुपद थे, लेकिन वो जो रचना हुई सदारंग अदारंग, तो सबसे पहला जो हमारे ख्याल के समझिए जब बंदिश जब चली तो उन्होंने पहला लेखन शुरू किया, और उनकी लिखी हुई बंदिशों को भातखंडे जी विष्णु दिगंबर जी ने संरक्षित किया कि जब स्कूल कॉलेज में ये चीज आई तो नोटिशन पद्धति को सीखने के लिए आसान करने के लिए, क्योंकि पहले तो गुरु शिष्य परंपरा में तालीम दिया जाता था, सीना और सीना तालीम होती थी, तो एक बार से दूसरे बार अगर कोई गुरु को टोक दिया शिष्य ने, कहा अभी तुमको बताया था अभी तुमने क्यों फिर उसी बात को दोहराया, फिर दूसरे दिन अगर तब सिखाओ, एक अस्थाई सिखाया तो अंतरा वो एक हफ्ते बाद उसको तैयार करके आओ तब वो अंतरा बताएंगे। तो वो क्या होता था कि रट जाता था पूरी तरह से, क्योंकि एक चीज को अगर बार बार करेगा आदमी तो उतना ही चीज करके आएगा तो वो तो रट गया। तो इस तरह से मेरे यहाँ तालीम हर चीज का दिया गया, बहुत सारी गायकी ऐसे, जैसे हमारे यहाँ का तो एक विद्यापति जी कवि जी भी बहुत पुराने हुए, जो सूरदास जी तुलसीदास जी उन्हीं के टाइम के रहे, जिस समय तानसेन जी ये लोग सब तो समकक्ष माना जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ ये गायकी बनी और गायकी लोग करते रहे, भले ही ध्रुपद को थोड़ा प्रमोट किया, इसलिए कि ध्रुपद ऐसी चीज को संरक्षित रखना बहुत मुश्किल काम है, आप तो खुद करते हैं आपको पता है कि हाँ, जो लोग जैसे ध्रुपद से हम लोग मान लीजिए ध्रुपद को गाते हैं, लेकिन जब ध्रुपद गाएंगे तो ध्रुपद की तरह गाएंगे उसको, जब ख्याल गाएंगे तो वो ख्याल की शैली बदल जाएगी। जैसे हमारे ध्रुपद में क्या है कि कण मुकी मूर्छना खटका ये प्रयोग नहीं होता है उसमें, भीड़ गमक सूत हसी इसका काम होता है ज्यादा, गमक और मीड का प्रधानता है। बंदिशों में लयकारी में भी विविधता हमारे दरभंगा घराने की एक अपनी शैली है, आपको पता है ये कि जो लयकारी की जो अलग अलग लय में बंदिशों को अलग अलग लय, जैसे अगर बंदिश गा लिया तो बंदिश को भी दुगुन तिगुन चौगुन छगुन ये जो क्रमबद्ध तरीका है ये तो है, उसके बाद जैसे एक में सात एक में जैसे ढाई सवा गुण, ये सब जो लयकारी की चीजें हैं, तो ये गणित का काम है, मैथमेटिक्स है ये, तो जितना लय की जिसको पकड़ है उस हिसाब से लोग अपनी क्षमता के अनुसार काम करते हैं। लेकिन जब गायकी बदलती है तो गायकी, अब टेस्ट की बात है, किसी को ध्रुपद सुनने की इच्छा है तो जब वहां महफिल लगती थी तो जब ध्रुपद कोई कह दिया ध्रुपद एक तो ख्याल भी हो जाए तो उस वो ऐसी सिलसिला चलती थी कि जो एक एक बंदिश, फिर एक ठुमरी चल रहा है उसमें तीन चार लोग बैठे हैं तो चारों उसमें ठुमरियों में उसकी बोल बन रही है। अब जो एक कुछ अलग कर जाते हैं उनको बहुत इनाम बख्शिश भी दिया जाता था, जो अच्छा लग जाता था राजा महाराजाओं को। तो इस तरह से गाने बजाने की सिलसिला रही, हमारे दादाजी भी पंडित राम चतुर मल्लिक भी ये लोग ही सब ठुमरी गाते थे, ये सब ख्याल गाते, हमारे दादाजी पंडित सुखदेव मल्लिक भी, उनको मैंने सुना है बहुत कुछ चीजें उनसे भी लिया है, जो ये सब सारी चीजें जो बंदिश की जो पुरानी रचना है ये सब उन्हीं का दिया हुआ था, जो पिताजी ने भी लिया हम लोगों ने भी उनसे सीखा। तो इस तरह से गायकी और टेस्ट के हिसाब से लोग जैसा डिमांड किया वैसे, तो पहले लोग यही कहते थे, तो ये दादाजी का वर्ड था कि गवैया वही जो हर कुछ गाए, उसको सब कुछ गाना आना चाहिए, ये नहीं कि कोई महफिल में कह दिया कि आप जरा हमें ये ठुमरी सुनाइए
तो कह रहे अरे मैंने तो ये सीखा नहीं, उस जमाने में ये नहीं चलता, वहां तुरंत आपको, इसका मतलब आप वो परिपक्वता नहीं, उनको माना जाता था ये परिपक्व नहीं है, ऐसा उन लोगों का सोच था। इसीलिए हमारे यहाँ चारों अंग की गायकी को लोग गाते रहे, आपने पिताजी से भी सुना होगा, वो भी गाते थे समय को देख के, जहां जैसा महफिल होता था, अगर कोई डिमांड कर दिया तो जरूर गाते थे। आज भी हम लोग भी जब उधर बिहार की महफिलों में जब जाते हैं तो वो लोग जानते हैं कि लोग तो चौमुखी हैं, इनको जो कहोगे ही गाएंगे। आज ध्रुपद सुनने की मूड नहीं है, आज थोड़ा दूसरे अंग में आइए, तो ये होता था। तो इसी तरह सिलसिला चला और इसी तरह तालीम। तो बड़ा ख्याल ये तो आप ये भी जानते हैं कि आगरा घराने की गायकी में ध्रुपद की अलापचारी करके लोग ख्याल बिल्कुल तो ध्रुपद से ख्याल आया, उससे पूरी परिलक्षित होती है कि ध्रुपद ने ही ख्याल का जन्म दिया है। बेशक ख्याल वो जाहिर सी बात है कि उसकी जितनी भी आज भी लोग लयकारी भी बोल बांट भी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं ध्रुपद से कनेक्टेड है, वो उसी 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 का जरिया है वो। बेशक तो एक ख्याल के बारे में चर्चा क्यों ना करें, चर्चा तो हो गई। मैं चाह रहा हूँ एक प्रमाण के तौर पे बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल उसका अगर बताएं, ताकि लोगों को वाकई विश्वास हो कि जो आजकल के भी ध्रुपदीय हैं वो ख्याल वाकई गा सकते हैं, कि किताबों में लिखी हुई बातें नहीं हैं, ये आज भी 21वीं शताब्दी में भी संभव है। बिल्कुल बिल्कुल मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने कहा थोड़े से भरम के भांडे फूटे आज तो अच्छा रहेगा। I think there's something wrong with the signal. But it's not a bad shot. In fact, I should take a snapshot of him frozen on the screen, isn't it? Prem Bhai is looking handsome here. And there's a snapshot. Let me try and call him back. I think there's something wrong with the signal. It just went dead. Let me see. His connection has gone off. So let's see. So I was actually asking him because he's, we've of course seen even my elders, Baba Jwala Singh and others, they were all sort of very, very, my ancestors never sang khayal. That was to do with the court music, the Mughal court and other courts. But some of the Thumri Angs and so on and so forth, Baba Jwala Singh was famous for that. But of coming from the court music side, Ustad Fayaz Khan, several musicians, but notably among them, the Agra Gharana elders have, as Pandit Prem Kumar Malik was mentioning also, that they would, at times they would sing alap, full-fledged alap, and then switch on to khayal, depending on the behfil they would be having. And he was, Ustad Fayaz Khan was notable. They would start with an elaborate alap and scintillating alap. Like they're remembered by people. People who heard him used to speak what it was, and then to come up with then dhamars or dhrupads, you know, and then slowly venture on to the concert or the behfil would slowly meander towards khayal renditions, bada khayal and chota khayals, and then they would go to, you know, tappas and compositions like that. Then later on there would be thumris and so on and so forth. There he's calling. Prem bhai. Connection ka kuch problem ho gaya. Haan, mujhe laga tha. मैं बता रहा था, मैं एक मिनट अभी शुरू करते हैं। सो आई वाज रिक्वेस्टिंग हिम बिकॉज देयर इज अ मिसकंसेप्शन अबाउट दैट हैज बीन स्प्रेड बाय पीपल हु डोंट नो ध्रुपद प्रेडोमिनेंटली,
that they don't, just because they don't know Dhrupad, they would say, "Hey, no, we don't sing Dhrupad, we only sing Khayal." So this conversation is not possible with everyone that I'm having with him to actually give illustrations of that there is the finest in the 21st century of what is Dhrupad, and also to give a narration, to give illustrations of the Khayal rendition, so that you can see for yourself how a voice that is trained, as his grandfather Pandit Sukhdev Malik would say, the real Gavaiya is the one who can sing all forms or any form given the thing. And that's how it is. A voice is a voice. If you have got a trained voice, you can emulate anything that you hear. And I've requested him to kindly give illustrations about Khayal, and then I will request him to also share with Tumri and Tappa and, you know, Dadra and others, so that you can see for yourself how a trained voice can actually sing all of these genres, and that this kind of a misnomer and a stereotyping of a Dhrupad singer or Dhrupad genre, that if you sing Dhrupad, you would be, your voice will be good for nothing. It won't be good for anything else. I think that is what I want to allow to rest in peace, that notion. हाँ प्रेम भाई, मैंने तो आपको कहा तो जो भ्रम जो फैलाते हैं वो तो बड़े खुश हो गए होंगे, कह रहे वार्ता बीच में कट गई तो चलो मैंने उतनी देर में थोड़ी अंग्रेजी में अपनी भड़ास निकाल ली। बहुत अच्छा, थोड़ा सा बीच में चलना चाहिए तो इस सब, चूंकि देखिए हमारे राग का समय चक्र भी आपको, हम सभी को पता है कि एक राग समय चक्र, तो अभी मैं अकॉर्डिंग टू टाइम ही मतलब राग को ले रहा हूँ, राग मधुवंती में मैं थोड़ा सा बड़े ख्याल का थोड़ा सा एक नमूना और एक वाह वाह छोटे दोनों मैं आपको पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल Yes, sir.
सोहे क्या बात signal problem. I think there's something happening there. What I can tell by the time he connects again is that, can you believe that Dr. Prem Kumar Malik, who sang Drupad, you can recognize the face, you can recognize the voice, but can you actually imagine that when he's singing Khayal, you can actually believe that he would know nothing about Drupad. And when he's digging Drupad, that he would know nothing about Khayal. That's a trained voice. So people, if you have misconceptions, flush them out. Train your voice well. And if you train well, you can sing any genre that there is. Any genre that there is, you're able to sing. And that, I think, Madhuvanti's rendition in the very first moment when he began, I said, whoa, that's fantastic, because he was singing, he brought no pride of being a Drupadiya. He's honestly singing Khayal. And I've seen them, I've seen his father, I've seen and analyzed stuff with his father. And his father had a bigger voice. I mean, he has a old voice. I mean, of course, he's the father. And of course, we saw him decades after he had been singing. And Premis and Ram Kumar, they're on their way to that, that logging of ears. I think the signal, there's something going wrong there. I'll wait for them to call. And he can bring that ego of being a Drupadiya, that, oh, I'm a Drupadiya who's singing Khayal. No, but he just removed the coat and he's a Khayalia. I think that's a that's quite extraordinary, and it's worth. Oh, I think he's calling and I'm calling him. We're calling each other. Okay, let me call him now.
Well, it's connecting now, hopefully. अब मैं प्रियंका से लड़ूंगा. अच्छा नहीं यार, कुछ बारिश चल रही है इसलिए. आप अपनी बिटिया की तरफदारी नहीं करेंगे, हम उससे लड़ेंगे. ठीक है, बाप बेटी की लड़ाई हमेशा होती रही. मैं यूं ही कह रहा था, मैं जरा अंग्रेजी में जबली मार रहा था. मैंने कहा प्रेम भाई तो ऐसा लगा जैसे अपने ध्रुपदिया का कोट उतार दिया हो. आवाज भी लग रहा है कि वही है, शक्ल भी वही लग रही है, पर ये ख्याली अवतार है. कोई एक्चुअली बल्दी भाई एक चीज आपको बता दे कि मैं ख्याल में भी एक रेट में मुझे मालूम है बिल्कुल. हाँ, उसको मतलब थोड़ा सा ये किया था मेरा एक रेट. अगर सही तालीम है ना तो आप गा सकते हैं. आप फरमाइए. बिल्कुल इरशाद फरमाए. पंचम पर जा रहे थे आप, मध्यम तीव्र मध्यम. लाल सोहत के सर तिलक सोहे भारत ए लाल के केसर तिलक सोए भाल 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 ए ग 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
लाल के नैनार। जैसे ख्याल में स्वर बांट है, बोल बांट है, तो स्वर की बात मैंने निकाली है। लाल, अब ये बोल बांट देखिए, जो उसमें ऐसी जगह जहां से तिहाई लेके भी उसमें लोग मुखड़े ले सकते हैं, बिना तिहाई के भी आ सकती है। लाल के नैनार सोहत के सर तिलक सोहे भाल, लाल के अब एक इसकी छोटा ख्याल में बाजे 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 बाजे
Yeah,
क्या बात है। सो भूत तो निकल गए लोगों के, अभी प्रेत बाकी हैं। कुछ लोगों के भूत तो निकल गए, मैं कह रहा हूं प्रेत अभी बाकी हैं। अब वो प्रेत कह रहे हैं कि इतना जो ख्याल गाया अब ध्रुपद भूल गया होगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं, इसके बाद ध्रुपद भी एक सुना के। मैं वही कह रहा हूँ कि जरा प्रेत है उनकी उनकी तसल्ली हो जाए कि जब ध्रुपदिया ख्याल गावे हैं तो ख्याल गा के फिर मोड़ा ध्रुपद की तरह आ सकता है कि कुछ भूलता नहीं, ये भ्रम भी जरा दूर हो जाए। बिल्कुल। अच्छा पहले इससे जाएं कि मैं जिक्र कर दूं, कुछ लोग बड़े मेरे और तुम्हारे प्यार वाले बड़े मिले हैं, और आर्टिस्ट रुपिंदर औलख जुड़े हैं शिकागो से, कईयों कुछ नाम ले दूंगा, गौरव उपाध्याय हैं, रमनीक बहन हैं, सुकन्या राम गोपाल हैं, और निशांत मलिक हैं। कुछ जानते हैं आप निशांत मलिक, कोई प्रशांत मलिक करके कोई नाम जानते हैं आपके? हाँ। नाम लग रहा है, दोनों मेरे सुपुत्र हैं जो दोनों मलिक ब्रदर्स के नाम से। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं नाम जाना पहचाना सा लग रहा है। आपको पता है। अरे छेड़ रहा हूँ यार, छेड़ने दो ना, तुम ऐसे सफाई मत दो ना, इतनी ज्यादा वकालत मत करो। उनसे तो अभी मेरी अच्छी लड़ाई होनी बाकी है। तरुण दीप जुड़े हैं, मृणल मोहन उपाध्याय जुड़े हैं, अजीत सिंह सिकंद हैं, और अपने जावेद बाबर न्याजी जुड़े हैं। जावेद भाई आधा वर्ष है इस्लामाबाद से, विद्वान हमारे पंजाब के रत्नों में से बड़े, तुफैल न्याजी साहब के बेटे। अपने अजीत सिकंद जुड़े हैं जर्मनी से, आपको आदाब कह रहे हैं, और शुभाशीष हैं। अच्छा, वतन के हमारे एक और अद्भुत रत्न पंडित बलराम पाठक जी के सुपुत्र पंडित विनोद पाठक जुड़े हैं। विनोद भाई नमस्कार, पर्ल इज हियर। मेरे मेरे छोटे भाई रविंदर, वो भी जर्मनी से जुड़े हैं, रविंदर, डॉक्टर रविंदर सांभी, अवतार शेरपुरी, और परमिंदर जी इज फ्राम ज्वाइनिंग फ्राम द US। सत श्री अकाल, एंड आई होप डिलो साहब इज डूइंग वेल। मनप्रीत, रघुवीर, जैनब ज्वाइनिंग फ्रॉम लाहौर, निर्वैर फ्रॉम टूसान, निहाल इज ऑल्सो ज्वाइनिंग। निहाल जो तबला बजाया था गुरु गौरव में, कोहली साहब का दोता है, IAS जो चीफ सेक्रेटरी इक्विवेलेंट रैंक में रहे बिहार में। पंडित सोमदत्त बत्तू जी हिमाचल से हैं, पर हमारे बहुत बड़े रत्न हैं, संगीत नाट अकेडमी अवार्डी हैं, वो जुड़े हैं। समित, समित कहाँ हो भाई तुम, हम तो तुम्हें तुम्हारे पापा को भी याद कर रहे थे, कोई कनेक्शन वगैरह लगाओ ना, काश के इकट्ठे आज भाई साहब को भी लाते, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। समित और अपने क्या कहते यंग्स टाउन से रविंद्र प्रताप सिंह तबला निवास, बहुत ही ऊंधा उनका हाथ है। आर्टिस्ट प्रेम सिंह जी हैं, पूनम अयूब, सिद्धार्थ, आर्टिस्ट सिद्धार्थ जी जुड़े हैं, रीमा एंड अदर्स, आल्दो कोलुचेलो नापोली से जुड़े हैं। सो सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। भाई रविंदर सिंह रागी जुड़े हैं, वो भी अमेरिका में फंसे हुए हैं, जैसे मैं इटली में था। सबको सब आपको आदाब कह रहे हैं, सब नमस्कार अर्ज कर रहे हैं और मुबारक दे रहे हैं। तो मैं ध्रुपद की ओर जा रहा हूँ, राग श्री में एक बंदी सुना रहा हूँ, घराने की चीज है।
ये जो प्रेत है ना प्रेम भाई, प्रेत जो हैं वो शक कर रहे हैं, वो शक कर रहे हैं कि आपके पास आवाजों का ढेर होगा, क्योंकि वही आवाज पे इतने वल पड़े हों अभी दो मिनट पहले, वो इतना सूत कैसे खींच सकती है स्त्री, क्या झट से हो गई क्या? तब ऊपर वाले की सब बुजुर्गों का आशीर्वाद है, तालीम और शिक्षा है, बिल्कुल ये बात तालीम है, जैसा थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ बचा के रखू इसे। बिल्कुल बिल्कुल बचेगा, क्यों नहीं बचेगा, इरशाद फरमाए। Dear,
Dara 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 dara
रचना जाके मृग छाल ताके गले रुद्र माल जाके नाग डमरू बाजे त्रिशूल धर डिमिक डिमिक डमरू बाजे जटा जूट छाई मुंड माल गला सोहे बाघंबर कर धारी जाके मृग छाल ताके गले रुद्र माल। हमारे पंजाब के जोगी जल्दी मानते नहीं है, पर जिस तरह से तुम आज गा रहे हो ना, आज तो हमारा पंचनद का जोगी शिव मान ही जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो तब संयोग की बात है। बिल्कुल अब इस समय मैनुअल तो साथ मिलना मुश्किल है, नहीं, 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 वो लॉकडाउन है। बिल्कुल हाँ। जा के के गले आजू
आए मा लगा सो गले रुद्र मान जागे नाद दमरु बाजे त्रिशूल जागे निगा चाल ये जागे नी ये जागे नी निगा चाल तागे गले रुद्र मान तागे जागे ना जाके नाद डबल बाजे त्रिशूल त्रिशूल जाके निगा चाल तागे जाके बीग जा जाके बीग जाके निगा चाल तागे गले रूद्र माल जागे नाद डमरू जागे नीग जागे नीग जागे नीग चाल तागे गले रूद्र माल जागे नाद डमरू त्रिशूल 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 जागे 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 भी जागे 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 भी जागे जागे भी जागे नाद डमरू बाजे त्रिशूल जागे जागे मीग चाल जागे जागे मीग चाल जागे जागे मी जागे नाद डमरू बाजे त्रिशूल जागे मीग चाल जागे गले रुद्र माल जागे मीग चाल जागे गले मीग चाल जागे गले रुद्र माल जागे नाद डमरू बाजे त्रिशूल कर जागे मीगा जागे 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 मीग जागे मीग जा जागे मीग मीग मीगा जा चारा जागे गरे दूधा ये माला जागे ना दर जागे ये ना दर धमरू ये बाजे जागे ना दर धमरू ये बाजे जागे ना मीग मीग मीगा जागे जागे गरे दूधा माला जागे ना मीरा चाल जागे 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 मी जागे 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 मी जागे जागे एक दो तीन चार पांच छः सात एक दो तीन चार पांच छः अब ये ले जागे जागे मीरा चाल जागे गले रूप माले जागे 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 मीरा चाल जागे गले ये रूप माले जागे ये नादा डामा बाजे त्रिशूला जागे मीगा चाल जागे गले जागे 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 मीगा चाल जागे गले जागे गले मीगा चाल जागे गले रूद माल तागे नाद डमरू बाजे जागे जागे नाद डमरू बाजे जागे जागे नीर जागे जागे नीर जागे नीर जागे नीर जागे गा जागे जागे गाले रुदा जागे 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 नीर नीर जागे 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 नीर नीर जागे 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 नीर
जागे गा जागे गा जागे गा जागे गा जागे 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 क्या बात है। ये बंदिश का जो मुखड़ा है ये कबीर भगत कबीर जी की एक उनका ध्रुपदा है, हमारी परंपरा गुरबानी में जो गाया जाता रहा है, याद है उनकी ओरिजिनल के। अच्छा। श्री राग का ही है कि श्री राग कबीर जियो का एक स्वान के घर गावना, बड़ा खास ये तवारीख की ध्रुपदा मेरे दादा भाई भाई अवतार सिंह भाई गुरचरण सिंह ने पंजाबी यूनिवर्सिटी के लिए जो 500 ध्रुपद लिखे थे उनमें एक रचना पब्लिश की 70s में पब्लिश की हुई है उनकी, कि जननी कबीर जी का पता है। अच्छा। कि जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना को न जाने के दिन दिन अवध घटत है। क्या ताँच लिखिए कि जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना को न जाने जे दिन दिन अवध घटत है, मोर मोर करी अधिक लाड धर पेखत ही जब राव हस है, ऐसा तय जग भरम लाया। अब डांट देखिए परमात्मा को, ऐसा तय जग भरम लाया, कैसे बूझे जब मोहया है माया, तेरे को कैसे बूझे जब इतना माया से मोह में है बसा। इसकी अस्थाई एकदम, मतलब मैं हैरान हुआ आज पहली बार, बड़ा रेयर है चलन। आप जानते हैं कि ये जो मापन ईसा की जो अस्थाई है बहुत रेयर है, सुनने को नहीं मिलती है। और देखिएगा क्योंकि आमतौर पे हम कितना गाते हैं, पंचम पे सम है, रिखप पे सम है, नीचे पंचम पे सम है, ऐसे बहुत रेयर। हाँ रेयर, ये देखिएगा आम सा रब को कह रहे हैं कि ऐसा तूने जग को भरम में लगाया है। क्या सम, मतलब कबीर धन कबीर जी के, हाँ जाए भरम कैसे बुझ जब मोया माया साक स्वान कर चलता है आगे। एक स्वान का घर गावना, कुत्ते की एक स्वान कहते थे। और मेरे लोगों को याद है जब वो, मैं तो खैर गला बैठा हुआ है, कि मेरे पड़चाचा बाबा ज्वाला सिंह गा रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, और ये गा रहे हैं एक स्वान का घर गावना। जब मींड लाते थे ऊपर से नीचे, जितने स्वान थे करके ऊपर चिल्लाने लगते थे, मतलब खुले मैदानों में हजारों संग्रामी इकट्ठे हुए हैं। ये इस पदे की इतनी यादें हैं बाबा ज्वाला सिंह जी की। वो समझ में आता है कि वो मुखड़ा बिल्कुल एकदम एक जैसा मापन तारे का जो फेस है। जी जी बिल्कुल एकदम, कितना रेयर, बड़ी मुझे तो मतलब इतना मुझे दादा मेरे भाई भाई अवतार सिंह याद आ रहे थे, बहुत अच्छा गाते थे तुम, गाने शुरू हुए मैंने कहा क्या बात है, देखो कैसी पुरानी चीजें के मुखड़ा बहुत रेयर मिलते हैं, ये के ऊपर रिखप पे जो सम हो श्री में, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, बहुत ही कमाल की रचना आपने सुनाई। और लगा नहीं कि अभी बंदा जो है वो ख्याल गा के वापस बुढ़ा है। और
जैसे कहें लगे हाथ, अगर हम ठुमरी की तरफ चलें कि ठुमरी की वनगी, आपके पिताजी तो माशाल्लाह मतलब इतना क्या मिजाज था उनका कहने का, ठुमरी जो जब वो उनकी यानी कि मासूम शरारत होती थी आंखों में उनकी उनकी मासूमियत नहीं जाती थी, उनकी शरारत में भी उनका प्यार, उनका स्नेह जो था, मिजाज थे उन लोगों का बिल्कुल संत की प्रवृत्ति, बिल्कुल है ना, संत की तरह थे जैसे धाम में रहते थे, बिल्कुल ऐसा मिजाज था कि कोई भी जाए इतना आदर सम्मान उनके दिल में रहता था किसी के लिए, चाहे बड़ा हो या छोटा, उनको ये नहीं लगता था कि ये तो स्टूडेंट के लेवल के लोग, उसको भी वो बहुत अच्छे से ट्रीट करते, बिल्कुल उनके अंदर ये क्वालिटी जो थी, और आशीर्वाद उन्हीं का है कि जो परंपरा में समझिए सब कुछ संजोग के रखा हूँ, बिल्कुल हमारे तो बल्दी भाई कुछ ऐसी भी रचनाएं हैं जैसे कुछ राग, जैसे राग विनोद, दक्षिणती, दक्षिणती, ये सब की पद जो है आपको बिल्कुल एकदम जो कहीं किसी बुक में नहीं, ये मेरे पूर्वजों का मेरे यहाँ गाए जाए, तो ये सब चीज जब चर्चा होती है, जब बिल्कुल कभी ऐसी गुणी सभा बैठती है तब वो सब बातें निकलती है, बेशक आपने ठुमरी की बात छेड़ दी है तो थोड़ा ठुमरी भी होना चाहिए पहले। हाँ बिल्कुल, ठुमरी टप्पा बचा रहा हूँ, गुण की बारी बारी दिखाते जाएं और रागों के रेयर बातें जो साथ साथ करते रहेंगे, बिल्कुल रेयर बातें भी। मुझे वो मुझे याद आ रहा है जब मैं पहली बार ना फहीम साहब ने कहा कि अरे बेटा जरा चिट्ठी दे के आनी है विदुर जी को, मैंने कहा ठीक है, तो मैं कल ही बता रहा था, तो मैं ना इंडस्ट्रियल मास्क होता था मेरे पास बहुत बड़ा, तो मैं ना अपने स्कूटर पे गया वृंदावन, तो जब मैं पहुंचा ना वहाँ अपने श्रीवत्स जी के यहाँ, तो वो मतलब भारी खड़े थे, तो मैंने वहाँ मतलब मुझे क्या मालूम, मैंने शीशे में तो खैर पीछे देखते हैं, तो मैंने ना उतर के मास्क उतारा, तो आपके पिताजी ना वो मुझे कहना चाह रहे हैं कि पूरा मामला सब बाकी काला है बाकी सफ़ेद है मास्क, वो हंसी जा रहे हैं और ऐसे इशारा करी जा रहे हैं कि वो बताए थे जब आप गए थे कुछ सिलसिले में कुछ प्रोजेक्ट का चिट्ठियां वगैरह लेके जाता था, कह रहे वो बता रहे हैं कि ये कि जैसे मास्क सारा बाकी चेहरा आंखें सब काली हैं और मास्क बस जो उतारा है, ये तो मैंने कहा कि आप तो मेरे परिवार को बहुत करीब से जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हमारी आपकी बहुत पुरानी मुलाकात है, बिल्कुल सब जो है एक साथ जो दौर देखे हैं, बिल्कुल वो दौर आप देखने को जल्दी नहीं मिलता, अब वो पुराने लोग भी सब धीरे धीरे सब हम लोगों के बीच नहीं रहे, उनको संजोग के रखना, अपनी थाती को बचा के रखना, अब तो हम और तुम ही पुराने हो रहे हैं अब हम लोग पुराने हो रहे हैं अब धीरे धीरे बाजा थोड़ा पीछे कर लोगे, थोड़ा पीछे बिल्कुल, जब मैं गाऊंगा तो उसको थोड़ा सा हल्का रखें। तो प्रियंका बाजा मुझे दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा कंप्यूटर थोड़ा दूर करोगे, इसी तरह बस कुछ दाएं बाएं नहीं करना, पीछे एक डेढ़ फुट पीछे ले जाओ, वो साइड में ही रखे हुए हैं। नहीं पर मैं चाह रहा हूँ ना उंगलियां देखें जरा, बाजा बजता भी तो देखें ना, आपकी अब अफवाहें तो हमारे तक पहुंच जाती है ना कि बाजा अच्छा छेड़ते हो, सामने करता हूँ, नहीं सामने नहीं, आवाज के बीच में आ जाएगा, नहीं ऐसे तो दिखेगा ही नहीं, वो थोड़ा सा कंप्यूटर, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे आएगा ही नहीं, वो डायरेक्शन ठीक था, बाजा वही ठीक था, सिर्फ एक फुट के करीब अगर दूर कर लें, हाँ ये बात बस ये ठीक है, और थोड़ा राइट की तरफ कर दो, थोड़ा राइट की तरफ कंप्यूटर, और थोड़ा दिस इज गुड, मैं अपने आप को अब तस्वीर में से हटा लूंगा, तो बाजे की जैसे कहें उंगलियां नृत्य करती दिखेंगी पर्दों पर उसके, अब मिस्टर खमाज की एक अच्छा ठुमरी गा रहा हूं, जो छवि दिखला जा बांके सवरिया, छवि दिखला जा बांके सवरिया, ध्यान लगे जिया मोर, वाह वाह
पाके भौहे नैना रसीले ताल चले मतवाली बन बन फिराई तोरे ही कारण समरिया यह जग जीवन थोरा बन बन फिराई तोरे ही कारण समरिया यह जग जीवन थोड़ा ध्यान लगे जी अमोरा। वाह 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 क्या उठान भरी है, वाह वाह वाह। ये छवि दिखला जा, छवि दिखला जा, छवि दिखला जा, दिखला जा, दिखला जा, समझिया क्या बात है। छवि दिखला, छवि दिखला जा, ये दिमाग समझिया मोरा जे ध्यान लगे। या इसको सेट करते हैं जब ताल में। हाँ, बढ़िया बढ़िया। जिया ध्यान लगे जिया, क्या बात है, क्या मिजाज बना प्रेम भाई। जरा कल्पना देखिए क्या है, कहां कहां से कल्पना है, किन किन स्वरों से कल्पना है। अब ध्यान लगे जिया मोरा, दिखला जा मोरा, दिखला जा मोरा, दिखला जा मोरा।
बाके सवरिया 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 अब ध्यान ध्यान लगे लगे जिया लगे जिया लगे जिया लगे जिया लगे जिया जिया मोजा जिया मोजा जिया मोजा अब ध्यान लगे जिया मोजा अब ध्यान लगे जिया लगे जिया मोजा लगे जिया लगे जिया मोरा अब ध्यान लगे लगे जिया मोरा ध्यान लगे जिया छवि दिखला बाके सबरिया अब ये आपके जगहों का अंग है, ये कला थोड़ा तैयार रहेगा वही कर सकता, पंजाब नहीं घूम पूरा तो घूम सकता और यहाँ, लेकिन दोनों मिक्स करना बिल्कुल मुश्किल काम, बेशक बेशक ध्यान बिल्कुल प्योर पूरा है ध्यान लगे जिया जिया अब ध्यान लगे जिया ध्यान पंजाब की बात है ध्यान ध्यान लगे लगे जिया मोरा जिया लगे जी
लगे जिया लगे। एक बार तार में, एक बार तार में फिर जाइएगा। वाह 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 क्या बात है। तार में एक बार लगे जी लगे जी लगे जी रामो ज्ञान ज्ञान लगे जिया अब रस की बात होती है तो रस भरा है तो थोड़ा उसको भुला के रस को लाना है तभी रस की आनंद है। रस को जल्दी से उसको छोड़ देने से मजा खराब हो जाए। जिन्होंने गन्ने निरस चुपे हैं वो क्या रस को कहेंगे। यदि नैन नैन रसी रसी ले यदि नैन अब यहाँ कृष्ण की बात हो रही है। ये सवरिया जो है कौन है, वही कृष्ण है। तो बांके भौने नैना रसीले अचाल चले मतवाली। उसके पहले एक बहुत पुरानी जो है दोहा है जिसको सावली मूलक दृष्टि पड़ी तब से चित चंचल हो ही रहा। सावली मूलक दृष्टि परी तब से चित चंचल हो रहा। भोजन भवन नहीं मन भाग नैनन से नैनन से जल जात बहार नैन की बाल जिन्हें न लगी वह जानत पीर पराई कहा। लोग कहे सखी लाज करो जब लाज गई तब लाज कहा। तेरे छवि दिखला जा बाके सवरिया ध्यान लगे जिया ए बाके
कौन नैन लसीले नैन लसीले हो नैन लसीले अस्थाई वैसे याद हो जाना अलग बात है, जो अदायगी की है वो सुनने को मिले तो ही बंदा मान सकता है कि हाँ वाकई ठुमरी कहनी आती है, नहीं तो लोग कई बार सुना है अस्थाइयाँ थोड़ी थोड़ी याद कर ली तो बात करते हैं कि हमें ठुमरी भी आती है कहनी, उसको भरने की बात है, ठुमरी ऐसे नहीं हो, ठुमरी में कितनी कल्पनाएं हैं। बिल्कुल, वैसे एक गायकी ध्रुपद की अपनी शैली है, वैसे ख्याल की शैली है, वैसे ठुमरी दादरा शास्त्रीय संगीत की भी एक अपनी शैली है, जो पूरी एक व्यवस्थित स्वरूप है, वो एक गायकी है। अब उसको लोग उसी ढंग से जब गाएंगे तभी उसमें मजा है। बिल्कुल, वरना तो बंदिश तो सब कुछ सुनी हुई भी होती है, इसमें बहुत पुरानी रचना आप सभी जानते हैं, कौन गली गए श्याम बता दे सकी, ये बहुत पुरानी रचना है। सारे ठुमरी का जैसे मान लीजिए एक मुखड़ा भले ही थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन राग का बेस, राग की जो स्वरूप है, अगर मिश्र कर रहे हैं तो उसमें हमने उसको बचा के विवादी स्वर के नाते रागों में भी स्वर कभी कभी सुंदरता के लिए बढ़ाई जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमारे सभी बुजुर्गों ने भी किया, और इसलिए गायकी को जिस गायकी को भी गाए लो उसको बिल्कुल उसी रूप में गाए, तब तो चार पद कहने में अच्छा है कि चार गायकी। मेरे मेरे बुजुर्ग रहे जो आखिरी महाराज ठाकुर सिंह, अज्ञातवास में रहे 48 साल,
उनकी एक बड़ी कमाल की बात थी, वो भी हरफन मौला थे, कवि बहुत बड़े थे, वायलिन उनकी तो इंतहा थी, तबला अनोखे लाल जी को कहें कि पंडित जी नादे दिन आपका है ना, जरा सुनिएगा, मतलब 1948-47 की बात कर रहा हूँ, हैरान हो गए थे। तो 25 साल की उम्र में अज्ञातवास ले गए। वो कहते थे बड़ी एक अजब बात कहते थे और बड़ी पते की बात है, वो कहें कि, और वो आप कहते थे उन्हें, ध्रुपद से लेकर ठुमरी दादरा आप सुनेंगे, हैरान हो जाते थे सब लोग। वो यही बात कहते थे जो आप आज दृष्टमान कर रहे हो, कि अगर ध्रुपद गाओ उसमें किसी और गायन शैली की बास नहीं आनी चाहिए, अगर ठुमरी को हो तो वो प्योर ठुमरी हो, ख्याल हो तो एन ख्याल हो, छोटा ख्याल हो तो ये पता भी ना लगे कि बड़ा भी आता है। ये हमारे पिताजी कहते थे। अच्छा अच्छा, वो सब अलग है। ध्रुपद अगर हम सब कुछ गाते हैं, लेकिन ध्रुपद के समय जो ध्रुपद में लगने वाली चीज है उसी को लगाना चाहिए, जो ध्रुपद प्योर समझ में आए, ये ध्रुपद है। शैली तो अपने आप में ही समझ में आ जाता है कि किस शैली का, किस घराने की, वो सब बताने की जरूरत नहीं। लेकिन गायकी सब डिफरेंट है, सबकी अपनी एक मर्यादा है, सबकी एक व्यवस्थित स्वरूप है। उस स्वरूप के अंदर हर गायकी को अगर गाते बजे जाते हैं तो बहुत ही आनंद आता है, सभी को आनंद आता है। बिल्कुल, सभी उसका आनंद ले। बिल्कुल। और अच्छा, पंजाब की तो क्या वनगी लगी नहीं, मतलब वैसे तो मिट्टी तो हम सबकी पुरानी वही राजस्थान पंजाब की है, तो लगी नहीं, लगी नहीं वो एक ही था, वो तो जब जब हमलावर आते तो रेगिस्तान में जाते थे, जब चले जाते तो खेतों में आ जाते थे। बिल्कुल, सिलसिला तो पंजाब का ही है पुराना, वो सप्त सिंधु का। और पंजाब मैंने केवल ये कहा कि देखिए अंग है इसमें, जैसे बिल्कुल का एक पूरब अंग है, ठुमरी में दो पूरब अंग और पंजाब अंग, ये दो अंग बहुत ही अपने आप में समृद्ध है। और प्रेम भाई लोग तो भूल भी गए, पूरब है क्या, पंजाब की पूरब की हद है वृंदावन, यमुना का तट जो है वो पंजाबी टर्म है, वो पूरब लोग भूल गए, नहीं तो हिंदुस्तान का पूरब तो बंगाल है। तो ये लोग जरा तवारीख भूल गए हैं। अच्छा, मैं यूं कह रहा था, मैं यूं छेड़ रहा था कि पंजाब की बात की है तो टप्पा भी हो जाए, टप्पा मियां शौरी मियां फगवाड़ा है, हमारे कपूरथले की मिट्टी वो कैसी खड़कती थी, तो वो भी कमाल हो जाएगा। अच्छा, ये ठेका भी लोगों ने बदल दिया, लोग सितार खानी बजाने लग गए, उसका ठेका मैं कल परसों बता रहा था कि धा धींगड़ धा धा तींगड़ धा ता तींगड़ धा धा धींगड़ धा आ, ये जो जो पंजाबी एक ठेका ही उसमें गाया जाता था, गाया जाता है आज आज भी। तो हमने हम लोगों के यहाँ जो ये गायकी को अलग अलग करके इसमें भी ये तालीम दी गई है, बिल्कुल, कि ताल को किस में गाना है। वाह वाह, ऐसा नहीं कि हम उसको वो अधा भी नहीं आ रहा है, थोड़ा लंबा हो नजरे दी बहार मियां, ओ 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 नजरे दी बहार चहक फिरे मस्त फोरी फिरे मत हो नशे में, चहक फिरे
मस्त बुलबुला कोई फिरे मत हो नसे मिल का जानी गर लग जा हो रमिया हो रमिया हो क्या बात अडंग। और भी याद आ रहा है टप्पा कोई? टप्पा तो याद आ रहा है और भी है लट जो खुली बाजी आंखें जरी लाए लट जो खुली बाजी आंखें जरी लाए हंसी भी बहाने हंसी ओ ओ ओ भी बामाने जाए लगे भी बामाने जाए लगे तो पूरी बाजी आंखें थरी लाए
सिंधी बहाने ऐसे दो चार चीजें सीखा हुआ है दादाजी से सीखा था वही पिताजी एक बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अच्छा। बनारस में ये 75 या 6 की बात है थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ पिताजी के साथ मैं भी था द्रौपद मेला के बाद मे बी 6 की बात तो वहाँ नंदलाल जी रहते थे आरा के थे अच्छा गुणी लोग थे हाँ उस समय आपको प्रेमलता शर्मा जी भी थी और सारे लोग थे राजभान सिंह जी थे गंगाधर साहब थे उस समय चित्रंजन दुच्ची वगैरह सब लोग बहुत पुराने पुराने लोग तो वो लोग वहाँ एक बार पिताजी से संकट मोचन के महान जी जो अमरनाथ जी थे पहले वीरभद्र जी के तो उनको कहा कि आप तो चूंकि किशन महाराज के यहाँ एक बार बैठकी हुई थी जिसमें पिताजी से हर चीज सुना गया द्रौपद मेला के बाद अच्छा। वहां बैठक में रखाया गया मैं भी साथ में था तो जब तो वो लोग एक बार चर्चा किए कि अरे भाई विदुर जी तो ऐसे कलाकार थे कि चाहे उनसे जो भी गवा लेते ध्रुपद तो गाते ही थे लेकिन वो तो ठुमरी भजन विद्यापति या ख्याल जो भी कहते टप्पा भी उनको तो उनको स्पेशली जो वही सुनाए थे बैठक में तो उनको उन्होंने बीएचयू में टप्पा सम्मेलन हुआ था तो जिसमें टप्पा के लिए स्पेशली बुलाया गया था हम साथ में आए अच्छा शाम का टाइम था थोड़ा उनको कान में दर्द हो गया था दिन दवा हुआ लिए शाम को जो गाए दो तीन टप्पा यही सब अच्छा। इतना लोग सब लोगों ने कहा कि भाई पद के लोग आ टप्पा भी इनको इतनी मालूम आती है सबने बहुत अप्रिशिएट किया और उनको बड़े आदर से सब लोगों ने सम्मान किया तो ये सब बंदी भाई जो लोग इसको बचा के रखे हाँ, बिल्कुल खजाना है आपके घरानों में खजानों में सब कुछ रखा है बिल्कुल सुरक्षित रखने वाला भी तो होना चाहिए बेशक उसके बगैर क्या होगा उसके बगैर ना उसे तो होगा संरक्षण वाला होना चाहिए वीरभद्र जी जिक्र करते थे पंडित जी के वीरभद्र जी वीरभद्र मिश्र जी जिक्र करते थे आपका मेरे से बहुत प्यार था मेरे से बहुत बातें करते थे पन्ना भाई की और आपके पिताजी की खास वो अमरनाथ जी तो स्पेशली सबको ये कह देते थे कि सबके साथ सब एक बार पहली बार जब 75 में शुरू हुआ था तो पिताजी के साथ कमिटी ने ध्रुपद समिति ने तय करके पुरुषोत्तम दास जी के साथ उनको रखा उसके बाद दूसरे साल से उन्होंने अमरनाथ जी ने स्पेशली कहा इतना लय और सुर में गाने वाला आदमी मैंने ध्रुपद को नहीं देखा लय को भी उतना ही ध्यान देते सुर को तो उनके साथ वो फिक्स थे जब तक वो जीवित रहे अच्छा। तब अमरनाथ जी ही बजाते अच्छा। वो कह देते थे बनारसी भाषा में बोलते थे देखा भैया सबके साथ सब बजा ले लेकिन विदुर जी के साथ हम ही बजाए तीतु सब समझ गए मतलब वो उनके सारे पक्ष भी सब सबको सबके साथ देते थे उनके साथ ही बजा क्या बात है एक बार संकट मोचन में भी रखवाया गया उनको जबकि वहाँ बाद में ध्रुपद का कार्यक्रम नहीं होता लेकिन एक बार वो आए हैं जिस साल समझिए शारदा साय जी किशन महाराज जी शामका प्रसाद जी सब लोगों का सोलो भी था सब कुशल बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग अमरनाथ जी पिताजी के साथ हम भी उनके साथ थे अच्छा। तो एक साल संकट मोचन में भी हाजिरी लगी थी बाकी बनारस तो जाना आना हम तो प्रयाग में है तो काशी प्रयाग तो दोनों बिल्कुल एक से जुड़ा हुआ है दूसरे शहर से बिल्कुल और कौन सा टप्पा वहाँ गाए थे दो टप्पा फेस्टिवल में और कौन कौन कुछ कौन कौन आए थे उसमें और कौन कौन थे कुछ याद है उस समय रामू जी थे गया वाले अच्छा रामू जी अच्छा रामू जी भी आए थे उनके साथ गोवर्धन मिश्रा भी आए थे जिनको कुछ दिन खैरागढ़ में बुलाया गया था विचरिंग
प्रोफेसर के रूप में, अब पता नहीं है कि नहीं, मतलब वो गया में वो लोग रहते थे, वहाँ एक व्यक्ति और थे जो हम लोगों के पारिवारिक दूर के रिलेशन में थे, पंडित जयराम तिवारी जी। अच्छा, जयराम तिवारी जी भी बहुत अच्छा ठुमरी गाते थे, और आपको शायद पता हो या नहीं, पंडित जयराम तिवारी जी तो मेरे घराने से शिक्षा लिया, पंडित विष्णु पाठक से उन्होंने ध्रुपद की तालीम ली, लेकिन उनके पिताजी बलदेव तिवारी जी, पंडित बलदेव तिवारी जी, वो ख्याल ठुमरी बहुत अच्छा गाते, इसलिए तिवारी जी भी ख्याल ठुमरी वो बहुत अच्छा गाते, उनका भी, हम लोगों के घराने में सभी लोग इसको अच्छा करते थे, आप सबको पता था, जग जाहिर था कि ये लोग चौमुखी गाए थे। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, मेरी जो रिसर्च वर्क हुआ, क्योंकि कोई मेरे घराने पर कभी काम नहीं हुआ था, तो मैं अपने दरभंगा घराने की गायन शैली एवं चार दरभंगा घराने की परंपरा एवं चार पट गायन शैली का तुलनात्मक, उस चारों पट गायन शैली का क्या तुलना है, उसको मैंने रिसर्च के दौरान, दिल्ली वालों को थोड़ा भ्रम रहता है कि दिल्ली के बाहर संगीत हुआ नहीं है, ना पूरब की तरफ ना पश्चिम की तरफ, तो आज थोड़े से वो भी भ्रम टूटेंगे। अरे सब प्रभु की कृपा है, सब बुजुर्गों, अब जो सब लोग बता रहे थे, सभी लोग अच्छे हैं, सबका सम्मान है, सबका अपना ये है, पर ये लोगों का तो सम्मान है, पर ये सच है, जैसे दरभंगा की परंपरा के ऊपर कौन से शोध कार्य हुए पहले, हैं, पंजाब को भुला दिया सबने, बिहार को भुला दिया, जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, कितनी कितनी बड़ी परंपरा रही, बेतिया से लेकर दुमराव, दरभंगा, गया, कितनी बड़ी परंपराएं हैं, पर श्याम चौरासी, तलवंडी, दरबार साहब की परंपरा कितनी बड़ी है, सब भुला दिया, मतलब उनका कोई काम ही नहीं हुआ, और अपने आप में दुख की बात है कि पहला शोध कार्य आपका है। हाँ, उसमें आप देखिए, ठुमरियों में भी दो प्रकार की ठुमरी होती है, एक बोल बांट की ठुमरी, एक बोल बनाओ ठुमरी, जो हमने सुनाया आपको बोल बांट की ठुमरी, जो हमने दूसरा भी सुना दीजिए, मतलब आज हमको लगता है आप काफी, अब तो डॉक्टर प्रेम कुमार मलिक अब दफ्तर खोल के बैठ गए ना, अब तो पंडित प्रेम कुमार का अवतार तो शुरू में देख लिया, अब डॉक्टर प्रेम कुमार मलिक से वार्ता हो रही है, पर अपनी रिसर्च है, मतलब आप देखिए, जैसे सनत किया की एक रचना है, वो अच्छा, एक काल में बंदी ठुमरी मैं आपको सुनाता हूँ, जो जिसमें बोल बांट की उसकी लयकारी देखिए, जिस मात्रा से कहिए वहां से बोल बांट शुरू होगी, उसकी तिहाई बनती निकले आ जाए, वाह वाह, मतलब ये एक अपना एक्सपेरिमेंट है, अपनी एक सोच है, वो तो अलग चीज है कि जिसकी जितनी सोच डेवलप है, जितना लोग कर सकते हैं, अपने अपने क्षमता के अनुसार लोग करते हैं। देखिए, गाना बजाना वही राग मैं भी गाऊंगा, अलग दूसरे लोग भी गाएंगे, तीसरे लोग भी गाएंगे, राग तो वही रहेगा, कल्पना और अपनी जो सोच है वो तो व्यक्ति विशेष का होगा, बिल्कुल, वो जो जितना करेगा, ये सब लोग हम लोग सभी जानते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, राग खमाच में ही वो रचना सुना रहा हूं, हाँ, एक मिनट रुक जाइएगा प्रेम भाई, एक मिनट रुकिएगा, सिग्नल गड़बड़ हो रहा है, मैं फिर से मिला रहा हूँ, एक काट के मिलाता हूँ मैं, ठीक हो जाएगा फिर वो, खिच आ रही है, प्रियंका आ जाना बेटा, आगे आ जाना, मैं फिर मिला रहा हूँ, डिस्टर्बेंस, आई डोंट वांट हिज वॉइस टू बी लॉस्ट इन दैट डिस्टर्बेंस,
artist Manjit Singh Chhatri ji is joining. Devinder Pratap Singh from Youngstown, Paisab is joining. That's wonderful. Dr. Santosh Nahar, Harshdeep, Nirmal, Swarleen. I hope everybody's fine. Let's go back to, yes, now up much better video. Haan, theek hai. Ab shuru kare. Na Hato jam re na bolo kana hato jam hato jam re jam ka dekhi iska bahut acha hato jam re na bolo kana hato jam re na bolo kana hato तो जा पहले सबसे लेते हैं
जावरे नमोरो का नमोरी भाई आजीन चुमारे लाऊं पाया लाऊं जावरे आपु जावरे आपु जावरे जावरे नमोरो का नमोरी भाई आजीन चुमारे लाऊं पाया लाऊं जावरे आपु जावरे आपु जावरे नमोरो का ना लाऊं जावरे आपु जावरे आपु जावरे नमोरो का ना लाऊं जावरे आपु जावरे 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 Ado jawane namolo kana muri baya dinu jumbara du. Lau baya ado jawo jawo jawo. Ado jawo jawo jawo. Ado jawo jawo jawo. Jawo de ado jawo de namolo kana muri baya dinu jumbara du. Lau baya ado jawo ado jawo. बहुत अच्छे मुझे याद आ रहे थे ओंकारनाथ ठाकुर जी के बड़े गुरु भाई
ज्ञानी ज्ञान सिंह अलमस्त जो दतिया के राजकुमार के गुरु थे और उनकी ठुमरियों के अंग याद आ रहे थे मेरे को, तुम जो गा रहे हो। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हाँ आ रही है मेरी आवाज। तो ओंकारनाथ ठाकुर जी के बड़े गुरु भाई थे, वो साज नवाज थे, 35 साज का मतलब गड्ढे में लेके चलते थे और दतिया के राजकुमार के उस्ताद भी थे। और ओंकारनाथ ठाकुर जी उनके बारे में कहते थे कि मैं तो सिर्फ गाता हूँ, ये साज भी बजाते हैं और कवि कवि बहुत बड़े थे। तो उनकी रचनाएं ठुमरी उनकी उनका ये तरीका था, लयों की 3 मुका 6 मुका 9 मुका 27 मुका अलग अलग लाने उन्होंने, और कहते थे कि बोल फेरना यानी कि अस्थाई को फेर के चलना, हर मात्रा छोड़ के आना, और तिहाइयां लाते थे वो अलग अलग किस्म की। तो जैसे उनकी समाज में उन्होंने गुरु नानक देव जी की जब बगदाद में गए तो उसका वर्णन किया कि मीठी मीठी धुनी रबाब, ओ हाँ मेरा गला बैठा एकदम, हाँ मीठी मीठी धुनी रबाब, मीठी मीठी धुनी रबाब के, मीठी मीठी धुनी रबाब बाजे गढ़ बगदाद, दौड़े दौड़े यमन आथ, पाथर पकड़े हाथ, मरदा नटक मगात, मारो मारो सोर रार। गुरु नानक कहते हैं अरे लावो तुम धुनी रबाब। फिर गुरु नानक वो कहानी बताते थे गाते गाते और लयों की बात कर रही, कहे कि गुरु नानक ने फिर आवाज दी तो जो सारे आए थे बगदाद के वसनीक पत्थर लेकर के काफिर आए हैं, कहे कि जब गुरु नानक ने आवाज लगाई भाई मर्दाने ने रबाब बजाई तो पाथर पकर रहे कर मोही चिमट गए, बख्शो बख्शो हे जनाब लाओ तुम धुनी रबाब। ये बोलो कि मुझे याद आ गए अलमस जी के क्या बात है, क्या बन बन के आ रहे थे उनकी बातें याद आ गई कि बड़ी पुरानी रवायत रही है ये। अब ये सब चीजें अब जो गुणी लोग हैं जो लहसुर का काम करने वाले हैं उनको उनको ज्यादा असर करता है कि भाई ये काम है तो काम अगर हो रहा है तो वो क्या हो रहा है उसको आना चाहिए, किस मात्रे से कहां से उठा कैसे आ रही है, कभी आमद की भी बात आ रही है, कभी चक्रदार भी आ रही है। और मैं आपको बताऊं कि चीजें तो बहुत सारी, अब जैसे इसमें हम लोग क्या ध्रुपद मार की भी परंपरा है हमारी, जबकि ये सब ठुमरी के लिए राग बनी है मुख्य रूप से, लेकिन इसमें ध्रुपद मार की भी रचनाएं हम लोगों के यहाँ गाई जाती है। यद्यपि ये राग जो है कुछ ऐसे राग हैं जिनको उपशास्त्रीय संगीत के लिए रखा गया है, लेकिन पुरानी जो परंपरा में फर्क नहीं था, ये आजकल नया आधुनिक म्यूजिकोलॉजी जो बनी है उसमें बड़ा कुछ नया बन गया, क्योंकि राग तो इतने बड़े बड़े हुए हैं कि उसमें हल्के से हल्का और भारी भरकम से भारी भरकम गाया जा सकता है। उसमें स्कूल कॉलेज में भी नहीं, ये खासकर आप आकाशवाणी में इसको जब कैटेगरी बनी शास्त्रीय संगीत की या ये सब तो आकाशवाणी में ये सब राग जैसे भैरवी हुई, खमाच हुई, इलंग हुआ, झिझोटी हुआ, देश हुआ, पहाड़ी हुआ, ये सब रागों को उसमें काफी हुआ दादरा में उसको रखा। ठीक भी है कि ये इस राग में थोड़ी सी तिलंग में कितना सूफियों ने गाया, गुरुओं ने गाया तिलंग में, और संपूर्ण तिलंग इतना बड़ा राग है उसको लाइट समझ आ जाता है आजकल। हाँ अब उसको उस रूप में ध्रुपदे हैं इतने इतने बड़े हैं ऐसे रागों में, तेलंग में कौन गाता है ये देखिए। हम बता रहे हैं आपको कि जो ये खमात में ऐसी धमार की रचना है हमारे यहाँ, लाल मोसो खेलो ना होरी ब्रज में धूम मचोरी, वाह ऐसी ऐसी रचना है कि बता नहीं सकता हर रागों की। एक जरा इसको मैं 5 मिनट एक देखिए, प्लीज प्लीज 5 मिनट क्या आपके पास समय है? मुझे जब तक आप सेट कर रहे हैं मैं मुझे तिलंग का देखिए अस्थाई याद आई, मेरे दादा बहुत अच्छी गाते थे द्रौपदी कुपीन मात्र द्रौपदी कुपीन मात्र
Gaujo Muni Sarai. तिलंग के ध्रुपदे हैं और कहें जी आजकल तो लाइट है, इतने इतने बंदिशे हैं, लोग हैरान हो जाएंगे कि कैसे कैसे इंद्रताल खटताल के ध्रुपदे हैं, इनके तोते उड़ जाएंगे लोगों सब राग हुई, बहुत सारी रचनाएं हुई, हर परंपरा में कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें हैं। और बिल्कुल है लाल मोसो खेलो ना ओ लाल मोसो खेलो ना हो ओ ब्रज में थू माजोरी लाल मोसो खेलो। अब उससे कोई मतलब नहीं, इसकी जो गणन है जैसे गाया गया है वही चीज आएगा, कहीं खट्टा मुखी कोई मतलब नहीं है। जो द्रुपद की बात है, जो उसकी वास्तविकता है, खेल को ना हो जी लाल मोसो खेलो ना हो ब्रज में धू माजोरी एक गावत एक गुला लावत एक गावा एक गुला लवत एक ना चत है दीला लाल मोसो लाल मोसो खेलो ना हो जी ये लाल मोसो खेलो ये लाल मोसो खेलो ये लाल मोसो खेलो ना हो राज में दूम माचो जी ये लाल मोसो खेलो ना हो दी ब्रज में दूर चोरी लाल ये लाल मोसो खे मोसो खे मोसो खे खेलो खेलो ना हो री ब्रज में धूम माचोरी लाल मोसो खे लाल मोसो खे लाल मो लाल मोसो खेलो ना हो री ब्रज में धूम माचोरी लाल मोसो खेलो ना हो री ये लाल मोसो खे ये लाल मोसो खे ये लाल मोसो खे खेलो ना हो जी ब्रज में धूम माचोरी लाल मोसो खे लाल मोसो खेलो ना हो री ब्रज
बादामे धूमा माचो दी ये लाल ये लाल ये लाल मोत खेलो खेलो ना मोरी लाल मो खेलो ना मोरी लाल मो सो खेलो ना मोरी लाल ये लाल मो सो खे मो सो खे मो सो खे खेलो ना मोरी बादामे धूमा माचो दी लाल मो सो खेलो ये लाल मो सो खेलो ना मो ये लाल मो सो खेलो ना मो ये लाल मो सो खे तो इस तरह की बहुत सारी चीजें बहुत क्या ठाट है अलग अलग पुरानी हाँ कहिए तो ये मैंने एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि जो जो जिसमें हम लोग ठुमरी दादरा भी गाते हैं तो आप उसमें भी ध्रुपद जैसे आपने कहा कि तिलंग में भी तो बिल्कुल है हर रागों की बंदिशों में राग बनी है तो परंपरा में कहीं ना कहीं से उसमें बंदिश भी बनी है अलग अलग उसके मुखड़े हैं अलग अलग उसका रख रखाव अलग अलग उसमें लोग जो है गाने वाले हैं प्रेम भाई मुझे लगता है कि जिन लोगों के पास संगीतक याद सिर्फ 19वीं 20वीं शताब्दी की है वो भूल गए हैं कि ये राग जब जन्मे थे या जब ये फॉर्म हुए थे इनके कॉन्स्टिट्यूशन बने थे उस वक़्त तो ये आजकल की गायकियां थी नहीं उस वक़्त तो एक पदे दो पदे ते पदे चौपदे पंच पदे अष्ट पदे सोलहे एक तो के दो तो के ते तो के पंच तो थे ना तो ये ठुमरी दादरा जब जन्मा ही नहीं था तो तब क्या गाते थे लोग यूं ही बस हवा में नाम ही थे सिर्फ भूल जाते हैं अब देखिए भगत नामदेव जी का तिलंका मैं खमाज अंक ही है वो लेकिन ये वो सुनाए देखिए आम मैं आंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा भगत नामदेव जी मैं आंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है अधारा करीमा 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 रहीमा करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी हाजरा जूर दर पेश तू मनी मैं दले की टेक तेरा नाम खुंदकारा अब ये 6 मात्रे का है और ये 600 साल पुराना है तो इसको आजकल के दादरे की शैली के अधीन तो डाल नहीं सकते ना बिल्कुल सही बात जैसे नानक के पद भी हम लोग के यहाँ बहुत हाँ, गुरु नानक जी के आप बहुत गाते हैं हाँ बिल्कुल और पटना में तो पटना में तो हाँ कहिए गुरु गौरव ही पद ही मैंने गाया चूंकि देखिए रागों को बल्दीप भाई राग जो है ऋतुओं से संबंध भी इसका है ऋतु प्रधान राग भी कुछ होते हैं जैसे आजकल हम लोग मल्हार में प्रवेश कर गए हैं मल्हार की बात है बहुत सारी चीजें मल्हार की बहुत रचनाएं होती है जैसे हमने बताया कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं हम लोग यहाँ की जो बिल्कुल एकदम दुर्लभ बंदिशें हैं जैसे दक्षिणेती की कुछ राग विनोद की ऐसी ध्रुपद है कि जिसकी धुआई ही इतनी लंबी 4 चरण की पद की उसको लोग ठेका बांध के पखावज में अगर रख ले तो अपने आप में बहुत वो मतलब सक्षम करने वाली बात नहीं बजाने वाले तो सब बजा ही लेकिन आप क्या सुनाऊं आप जैसा बताए आप विराग विनोद की जो भी बात बता रहे थे आप वो बड़ा अच्छा रहेगा अगर आप सुना सके बड़ा लोगों को इल्म मिलेगा इसके बारे में उसकी जो परिकल्पना है उसको काफी थाट में तो लोग मान सकते हैं ठीक है लेकिन उसकी स्वरों का लगाव उस बंदिश की चलन जो बुजुर्गों ने बनाया पहले की पद आपको मालूम है नानक के भी सारे पद ऐसे लिखा हुआ है राग का नाम जरूर लिख बिल्कुल लेकिन नोटिशन पहले नहीं मिलती थी उसको हम आप उसको जो बुजुर्गों ने बनाया उसको वो सीना तालीम के दौरान जो हमारे पास आया
उसको मैंने तालीम के दौरान ली, तो वो सारी चीजें वैसे ही रहेगी। अब हम उसको नोटिशन भी बना दिए, बना सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि मुझे स्वर का बिल्कुल इल्म है, तो मैं उसको बना और सुविधा भी हमने वैसे कॉपी और अब सुविधा भी हो गई है ना। हाँ बिल्कुल, हमने अब उसको कॉपी किताब में नहीं सिखा कि हम नोटिशन से लिख के उसको याद होता था, ये हमारी स्कूल कॉलेज की तालीम है, वहाँ लोग देना पड़ता है, हर तरह के बच्चे होते हैं, आपको सब पता है, हम सभी को पता है संगीत जगत के लोग। तो थोड़ी सी उसकी मैं एक रूप बताता हूँ, अच्छा 8 बजने को है, 7:45 हो जाए, इसकी रचना देखिए, मुखड़ा देखिए कितना लंबा है, सो कैसे धारी ये सो पिया के धरिए सोपिया गे यो बन आरु पीरा सदा आवे रहन दिवस कैसे के सही ये सोपिया आप तो जाए द्वारी का मदन हो
तन जड़ी ये सो पिया कैसे कृष्ण प्रभु का दुख सहिए सोपिया क्या बात है, ऐसो पिया ऐसो पिया घर नाही कैसे के धीरज धरिए अस्थाई अंतरा उमगे यौवन और विरहा सतावे रैन दिवस कैसे के सहिए अंतरा संचारी आप तो जाए द्वारिका बैठे मदन को रतन जरिए अभोग राम कृष्ण प्रभु कबले आई है राम कृष्ण प्रभु कबलो आई है कबले ये दुख सहिए ऐसो पिया घर लाए क्या बात हमारे परदादा जी की रचना है पंडित राजित राम मल्लिक जी जो राज प्रेस से जिस समय वो गंगा महाराजे के यहाँ वो लास्ट काल चल रहा था उसके बाद फिर 47 के बाद तो सारी चीजें आप सभी हम सभी को पता है कि लेकिन उस समय 1933 की बात जब वो पुस्तक वहां से छपी बहुत पुरानी रचना है अब पुरानी रचना छपी हुई है ये और ये किताब की समझ ली उसमें कोई ऐसा नोटिशन नहीं दिया था वो केवल पद है अच्छा अच्छा अब वो 33 से भी पुरानी रचना है जब वो इसको किए थे बाद में प्रेस के द्वारा उन्होंने रिलीज किया तब वो सामने आई क्योंकि वो लोग तो 1800 के शुरुआत से काम में लगे थे बात आई जब अंत में जब वहां से जब ऐसा हुआ कि अब धीरे धीरे सब कुछ बदलेगा मामला तो उन्होंने सोचा कि ये सब धरोहर के रूप में ये भक्त विनोद नाम की पुस्तक है और अथराग रत्नाकर ये देखना चाहूंगा किसी वक्त आई लव टू हैव अ कॉपी ऑफ दैट है उसको मैंने जब अपनी रिसर्च के दौरान मैंने ये किया था और वो संकलित है वो मेरे पास काफी शुक्र है बहुत बड़ी बात आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मेरे यहाँ तो चार चरण के ध्रुपद तो खैर लोग के यहाँ होगा मेरे यहाँ भी है बहुत सारी लेकिन चार चरण के धम्मार भी हमारे उनके ऊपर दादाजी का लिखा हुआ चार चरण की चार तुकों की बंदिश हाँ हमारे अच्छा आपके पास भी हमारे यहाँ भी गुरबानी में हमारे चारों तुक्के बिल्कुल चार चरण की सुनता की भी बंदिश हाँ, ये बहुत ये अरे आपका तो लगभग ही हम लोगों की परंपरा कबीर जी की कबीर जी की याद आ रही है आपको बड़ी पसंद आएगी शुद्ध बसंत पुराना जो कल्याण अंक का था हिंदुस्तानी संगीत में तो भूल गए सब लोग राजा राम मौल्या देखो तह रहे आसमाए अंतरा मौली धरती मौले आकाश मौली धरती मौले आकाश घट घट मौल्या आत्म प्रगाश
दुतिया मौले चार वेद सिमरत मौली शोकते शंकर मौलो जोग ध्यान कबीर का स्वामी सब समान राजा राम राजा राम। चारों तुक्के मतलब क्या बात कही आपके कि आपके यहाँ भी हम तो यहाँ चुप रहते हैं कि सुनने को मिलते नहीं, हम चुप रहते हैं सुनते रहते हैं। क्या बात है, सुनाइए। हाँ कहिए। बसंत में एक रचना हमारे यहाँ 10 मात्रा की है। अच्छा, वह उसकी अस्थाई अंतर की गणन देखिए। जी। पीरी परी रैन सुनत पिया बहन, वाह, सीरी भरी सांस कछुना कहत रे, असुवन भरन लागे मानो मेघ शरण लागे, धीरज धरहु मूढ़ कलना परे। पीरी परिरन सुनत पिया सीरी भरी सांस कछुना कहत रे, पीरी परिरन सुनत पिया सीरी भरी सांस कछुना कहत रे, असुवन भरन लागे मानो मेघ भरन लागे, असुवन झरन लागे मानो मेघ झरन, असुवन भरन लाग मानो में गजरन लाग, धीरज धरहु मूढ़ कलना परे री, पीरी परी रैन सुनत पिया बहन सीरी भरी सांस कछुना कहत रे, पीरी परी रैन क्या बात है, मुझे याद आ रही है एक चीज, युद्ध के रदैया रंग भूम के भवैया, भर भूम के मटैया नाद दीन लोग गाइए युद्ध के। क्या पुरानी गुरु गोविंद सिंह जी की मतलब बंदिश है उनकी रचना, मतलब पता उनका है, युद्ध के जतैया रंग भूम के भविया भार भूम के मटैया नाद तीन लोग गाई है, क्या कमाल का रचना है। अच्छा समा आपका मैंने काफी ले लिया, एक दो चीजें दो सवाल, बाकी वार्ता तो हमारी चलती रहेगी, परमात्मा की कृपा रही तो एक आधी बैठक और भी करेंगे, और बहुत बुजुर्गों की यादें करने वाली अभी बाकी हैं, तो मैं किसी वक्त चाहूंगा आपके पिताजी के बारे में एक्सक्लूसिव वार्ता करें, उनकी तालीम के बारे में, शिक्षा प्रणाली के बारे में, उनकी कुछ तस्वीरें बच्चों को कह के, प्रियंका प्रशांत और निशांत को कह के, राम को बढ़ाई को कुछ तस्वीरें वो दिखाएंगे भी, उनके बारे में एक कमेमोरेटिव जैसे हमने, हाँ, और डॉक्टर हरभजन सिंह जी बड़े हमारे वतन के कवि हुए, हमने उनकी शताब्दी भी कुछ दिन पहले मदन गोपाल भाई और डॉक्टर पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर सुजीत पात्र और नवतेज भारती जो बड़े कवि हैं उन सब के संग मिलके हमने उनकी यादें की, और डॉक्टर नागेश्वर अपने बालाजी के जो पिताजी हैं पद्मभूषण अयंगर जी, उनके बारे में अभी सेंटेनरी चल रही है, वो भी मनाएंगे,
किसी दिन आपके एक्सक्लूसिवली ना विदुर जी के बारे में हम वार्ता करें मिलके, राम कुमार भाई को भी ले लेंगे, उनकी यादें करेंगे, कोशिश करेंगे एमिलिया से भी, चाहे वो बीमार है पर उसको भी स्काइप के जरिए हम ले सकते हैं, ताकि ऐसी पुरानी यादें हैं हाँ बिल्कुल जो मैंने उनके साथ बहुत गुजारा समय, आप तो सब जानते हैं, और जो मेरा अनुभव है मैं जरूर आपसे हर चीज शेयर करूंगा। बिल्कुल, आप भी उनकी जो जितनी भी विदेश यात्रा, जितना भी लाभ इंडिया का, बिल्कुल बड़े बड़े जगहों में जो उनके साथ मेरा, क्योंकि मैं तो 10-11 साल की उम्र से उनके साथ हमेशा रहा, हमेशा उनकी हर चीजों का ख्याल मैं रखता था। बिल्कुल, एक पिता के तौर पे नहीं, एक गुरु से कैसे लोग रहता है, आप तो उनके विद्या सब तो ही मिलती है, उसके बगैर विद्या नहीं मिलती, बेटा बनकर बाप से या बेटी बनकर नहीं मिलती है, शिष्य बनके। बच्चों को भी तालीम दिया कि जैसे जो वही चीज है कि जैसे हमने लिया उसी तरह, अगर कोई बेटी या बेटा बने तो अभिमान आ सकता है, शागिर्द बने तो अभिमान नहीं आता, भरम अहंकार का नहीं आता, ये फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने संस्कार तो ये जरूर हम, मैं चाहूंगा कि हम सब मिलके पंडित जी की याद मनाएं, उनकी उनको उनकी याद ताजा करें और लोगों को बताएं कि ये जो इल्म आज बचे हुए हैं उनके माली कौन थे, ये जरूर बात करें। एक उनकी जो रिकॉर्डिंग मैंने सुनी, शायद पीटर ने या किसने डाली है यूट्यूब पे, दीपक राग के बारे में उन्होंने चर्चा किया है, जो हाँ, वो रिकॉर्डिंग उसका जो है वो सागर पा करके है, हमारे जहां जो है वो दीपक का, हमारे दीपक और दीप की दो अलग गाए जाते हैं, पर दीपक जो काफी मेल का गाते हैं हम लोग, स्वर वही है तकरीबन पर काफी मेल में है हमारे यहाँ, और दीप की जो है वो गंधार तीवर वाला है, और उनको उन्होंने जैसे गाया हम उस तरह तकरीबन विभास हम गाते हैं, जो सुबह की जो हम विभास भी दो हैं हमारे पास, रात की भी गाते हैं सुबह की विभास गाते हैं, उनके दीपक के चर्चा, अगर दीपक राग के बारे में दो मिनट चर्चा करें समापन से पहले, तो मैं चाहूंगा आप उनके हाँ बाद में इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी सी चर्चा इसको आपने जब छेड़ दिया है तो मैं जरूर बताना चाहूंगा। मेरे यहाँ मेरी परंपरा में दो थाट का दीपक अच्छा है, एक बिलावल, अच्छा बिलावल में जो हमारे और एक पूर्वी थाट का, जो पूर्वी थाट वाले दीपक हमने सीखा, पिताजी जो गाए वो पूर्वी थाट का है, जो तीव्र मध्यम कोमल धीवर हल्का सा कोमल ऋषभ, लेकिन चलन उसका चलन उसका जो है सा प ग प द प म प ध म ग प स ल प द प सा प म प ध प ग प म ग प ग स ल, ये वो चलन गाते प ग रे सा, ऐसे विभास में आता है प ग स रे, बिल्कुल इस तरह के चलन से वो गाते थे। तो इस उन्होंने बंदिश गाया हुआ मुतिया में मदन मोहन, जूही में जगन्नाथ, चंपा में चतुर्भुज, गोपाल में गुलाल लाल, आप भी उनका तो गाया, आप भी सुना दीजिए का गाया हुआ YouTube में पढ़ाई है। चलिए मैं थोड़ा सा जरूर आपकी जुबानी सुने। ये सब तो राग, इसको हमारे यहाँ क्या सभी लोग अछोप राग से, अछोप से बिल्कुल हमारे भी अछोप राग बहुत रेयर वर्णन है, बहुत रेयर, दीपक को जल्दी मतलब लोग इसको गाते नहीं, बिल्कुल घरानों में एक बंदिश जो पड़ी हुई है वो आप पता नहीं और लोगों को क्या मालूम है नहीं मालूम है, लेकिन जो है मालूम है इसको बिल्कुल एकदम कहते थे कि अछोप राग है, इसको अछोप राग कहा गया है, इसको गाने के लिए मना करते थे गुरु कि नहीं ये गाने की चीज नहीं, बिल्कुल यद्यपि ये अत्यंतम वो छह रागों में से भैरव मालकोस दीपक बिंदोल श्री मेघ, बिल्कुल राग माला के तो इसके बगैर है ही नहीं, 36 राग हुई और उनकी 36 रागनियां हुई, बिल्कुल ये तो हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं,
तो राग छे ही नाम से जाने जाते बिल्कुल। और पुराने जो संप्रदाय हैं उनमें इनकी तालीम रही है, जैसे हमारे यहाँ आपके यहाँ रही है, और इससे लोगों को जानना होगा कि जितने मेल मुझे याद हैं, प्रेम भाई को भी याद हैं, और एक एक दो वर्णन मैंने पंडित विद्रोह मलिक रामचंद्र मलिक जी का भी वर्णन है, एक उनका भी दीपक का, कि कितना बड़ा राग था कि हम सबको मिला के 6-7 स्वरूप हैं दीपक के, कितना बड़ा राग था दीपक। हाँ। ये खोज शास्त्रियों को ये जानने की जरूरत है कि ये मजाक ना समझे इन चीजों को, कि राग माला के 6 पिलर्स हैं, जो उनमें से अगर एक है और ये जननी है ये राग कितने रागों की, तो ये तालीम का पता लग जाता है कि संविधानिक तालीम है या यूं ही बस सुनी सुनाया इल्म है, इन बातों से पता लगता है। करता हूं उसके बाद फिर हम लोग की बात बिल्कुल। हाँ काफी मेल का जो है सबसे जो पुराना कहा जाता है वो आए दीव पे दीपकी जो है वो जी दीपकी में तीव्र धैवत है और तीव्र मध्यम और रिखभ है। हाँ। और जो जो आपका जो चलन है वो उसमें हम गौड़ी जो पूर्वी अंग की गाते हैं उसके जैसा नहीं है पर उसके तकरीबन मिलता है,
वो चलता है हाँ अलग है, अलग है, साफ दिख रहा है अलग है, पर वो बिल्कुल बिल्कुल हाँ, क्योंकि उसमें सब अलग है। हाँ, और गौड़ी जो पूर्वी बेल की, उसमें गंधार नहीं है। मैं ये यूं बता रहा हूँ सुनने वालों को भी, अपने जो हमारी जो वार्ता सुनेंगे आज और आने वाले काल में, कि किस तरह राग पैरेलल चलते हैं और इसमें गंधार नहीं है, किस तरह इंतजाम होते थे कि एक दूसरे के नजदीक मिलते हुए भी दूर हैं, कोसों नजदीक होते हुए कोसों दूर हैं। जैसे गौड़ी का जो पूर्वी मेल की गौड़ी है, उसका ध्रुपदा है आ जा कामीद साजन जान चलता है कि ये गौड़ी का किस तरह इंतजाम के, जैसे आप जो गा रहे हैं खरत से पंचम मालश्री का गाओ बजाओ, मतलब कितना अद्भुत स्वरूप है कि किस तरह पूर्वी मेल में क्या, मतलब यहां विद्वानों की विद्वता के दीदार होते हैं। प्रेम भाई आपने समय निकाला, आपको जाने से पहले जितने जुड़े हैं सब लोग उनसे कुछ दो वक्त कहना चाहें कि अपने पड़ोसियों के हैंडल्स को जाके जैसे चक कर देखें, लोगों भीड़ भड़के में जाएं, महामारी का जमाना है जैसे आजकल फैशन है, आप कुछ कहना चाहें कोई गलत आदत डालना चाहें तो आप, माइक्रोफोन आपके पास है देखिए कहना क्या चाहेंगे इस समय जिस परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, सबसे पहले तो यही एक माध्यम है ना। अरे प्रिय भाई क्यों गुमराह कर रहे हो, इतना अच्छा तो वातावरण है, अपने घर के बाहर पेड़ों पे तो हाँ। पैसे लटके हैं आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम लोग जो आनंद ले रहे हैं इस समय, इतना आनंद महफिलों में जाके कभी लिया करते थे हाँ, पुराना और आज घर बैठे ये आनंद ले रहे हैं, ये सबसे हम धन्यवाद तो इंटरनेट को देंगे कि भाई जिसके माध्यम से महामारी का धन्यवाद दे दें हाँ, कि जिससे हम लोग एक दूसरे से इतना क्लोज होके लग रहा है कि कितनी तरह की सारी बातें अपने आपस में हम लोग शेयर कर रहे हैं, ये बहुत ही अद्भुत चीज है कि हम लोग ये फेसबुक के और ये स्काइप के जरिए, इसके जरिए ही अपने लाइव के माध्यम से लोगों तक जो भी आनंद पहुंचा रहे हैं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सब ये आपने सामंजस्य बनाया जिससे हम लोग सब जुड़ रहे हैं, इसके लिए सबसे धन्यवाद के बधाई के पात्र आप हैं। और हम लोगों की सेवा जो हो रही है, ये जो बुजुर्गों का दिया हुआ प्रसाद है, जो परंपरा में जिसको हम लोग सुरक्षित रखे हैं, वो आप लोगों के सामने पेश किया है, जो कुछ भी मेरा ये है अभी तो बहुत कुछ है, बहुत लेकिन है, उतनी तो, लंबा चर्चा फिर बाद में नहीं करता हूं। वो तो खजाने हैं पुराने परंपराओं के हाँ, बिल्कुल। एक चीज बता दे, ये आपकी बात थी इसलिए इतनी देर एक आसन में बैठ के, अगर दूसरे किसी की बात होती तो एक घंटा 45 मिनट को चाहे डेढ़ घंटे तक बहुत है। हम वो ये तो आप है, हम और आप तिलक ना जानते हैं ना कि अरे टाइम कॉल है या क्या है, तिलक ना तो हम सब जानते हैं कि पुरानी आदत है, बहुत करीब से देखा है, अब आते तो हमारी भी तो बिगड़ी हुई है ना तो पर मैं प्रेम भाई यूं मजाक के संग संग कि मुझे बड़ी खुशी है कि
गुरु गोविंद सिंह जी के 350 साल पे हम इकट्ठे हुए, और अफसोस शायद मुझे ये रहा कि हमने पिछले साल कई कुछ सोचा था कि पंजाब में भी करेंगे, इस साल अब सोचा था अफसोसन के महामारी के तौर पे ये जो हम यारनाथ वर्चुअल बैठक सीरीज कर रहे हैं, गुरु नानक देव जी का 550 साल मना रहे हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ परम पुरख परमेश्वर का कि हम और आप गुरु नानक देव जी के 550 साल की याद में भी आज बैठ सके हैं। तो दो गुरुओं की तिथियां हम इकट्ठी मना सके हैं आज है, और गुरु तेग बहादुर साहब जी का 9वें गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर है के यू नो तिलक जंजू राखा प्रवतां का कीनो बड़ो कलू में साका, गुरु तेग बहादुर जिनकी शहादत अपने आप में मिसाल है, तिलक और जनेऊ की रक्षा करने वाले हिंद की चादर जिनको कहा, उनका भी जन्म ये चल रहा है। तो मैं कुछ एक दो महीनों के बाद वो भी मैं मनाऊंगा, तो अगर जमाना खुल गया हुआ तो इकट्ठे मिलेंगे कहीं, नहीं तो वर्चुअली तो फिर बैठक होगी जरूर। पर मुझे बड़ी खुशी है कि हम गुरु नानक देव जी की याद मना सके इकट्ठे, और आपने समय निकाला, मैं तो शुक्रगुजार हूँ। मैं तो भिखारी बन के आता हूँ कि समय देगा भाई हमारा प्रेम भाई, आपने समय दिया तो मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकलवाया, मैंने समय दिया, दोनों लोगों का आदान प्रदान इतना हुआ लंबा, ये बहुत अच्छी बैठक हुई, आगे भी होता रहे ये चीज। इसी शुभकामनाओं के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। बिल्कुल, नमस्कार, सबको बहुत बहुत प्यार। नमस्कार। सो फ्रेंड्स, दिस वाज माय कन्वर्सेशन विद वन ऑफ इंडियाज फाइनेस्ट स्कॉलर्स, स्कॉलर म्यूजिशियंस, स्पेशली टू डू विद नॉर्दर्न इंडियन म्यूजिक, एंड आई होप रियली दैट यू हैव एंजॉयड। दिस वाज द नेक्स्ट ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन where we remembered his, he had an amazing father. I cannot even tell how much love would he shower on me. Whenever we would meet, he would be so happy. He would be so happy, as if he would be like a flower. That was how Pandit Vidur Malik was. So it's always moving for me to remember him. And I hope you enjoyed. I know the conversation was mostly in Hindi Urdu mix from my side, and but I thought that was the language to speak today, as I've done in the past. Sometimes we speak only in English, sometimes we speak in other languages or in Punjabi at times. So this was conversation in Hindi. Tomorrow is a very, very special day as well. Another Baithak we have one of the elders another elder of India, Vidushi Neela Bhagwat. She is the doyen of the Gwalior School, and she'll be joining us from Mumbai. I've of course heard a lot from her. From Vidushi Aruna Sairam, because they have in the past done, they've sung together and performed. When I was in conversation with Vidushi Aruna Sairam, she had mentioned about that I need to be in conversation with her. Fortunately, I have been connected with one of her students, and Tanveer, I think, and then it is becoming possible now to be in conversation with her tomorrow. Same time, 4:30 p.m. I hope you will mark your calendar. She's a darling of a person, and I'm sure you will, I can guarantee you will enjoy the conversation tomorrow. Dosto, te dushmano, te raj ke mere naal nafrat karan wale ho, kal di dasde hain main aaj, ab pehla to dasde hain ki aaj di mulaqat aas hai tuhanu badi bada maza aaya hoega. Tusi sare jade jude mere dost mitr pyare sari duniya to kaiyan de naam hai leh chuke hain already. ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਮਲਿਕ PhD ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਨਸ਼ੀ ਹਨਗੇ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਵਿਦੁਰ ਮਲਿਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪੰਡਿਤ ਸੁਖਦੇਵ ਮਲਿਕ ਦੇ ਪੋਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 4:30 ਵਜੇ ਵਿਦੁਸ਼ੀ ਨੀਲਾ ਭਾਗਵਤ ਅਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨਗੇ
और मुंबई तो मेरे नाल जुड़नगे 4:30 कल यानी मंगलवार जुलाई 7 नूं कल मुलाकात होएगी। तुहानू जे तुसीं समां ना कढ़िया साडी तुहाडी लड़ाई होएगी रज के, ते जे तुसीं समां कढ़िया वैसे लड़ांगा मैं फिर भी, मेरा काम ही लड़ना हैगा। कई बार मैं लाड़ नाल लड़दा, कई बार मैं सची मुची लड़दा। सो खैर कल तक लई अलविदा, कल तक लई इजाजत। आस है तुहानू शाम बुला रही होएगी, 8:15 हो गए ने, चारा चूरा तुहाडे बन गया होएगा, तुसीं चरो ते मैं भी देखा मैनू चारा की मिलेगा, मैं भी जरा देखा। बहुत बहुत खुशियां, बहुत बहुत जिन्हों कहिए तुहाडे लई सारिआं दी अरदासां। खुदा हाफिज़, नमस्कार, वेरी गुड नाइट। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत करतार।